होने वाला है और प्रॉपर एक एनालिसिस होगा ऐसा नहीं हम सिर्फ आंसर तक पहुंच रहे हैं या सिर्फ आप आंसर टिक कर रहे हैं आंसर तक पहुंचा जाएगा प्रॉपरली एनालाइज करके जिससे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए साथ में आपको पोल मिलेगा जो कि हमेशा मिलता ही है जिसमें आप बिल्कुल रियल टाइम में ये जांच पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है जब क्वेश्चन आपके सामने ऑनलाइन में आता है क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर ही आएगा आपके सामने पेपर में भी और अभी भी आप एक स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे तो आप सही उत्तर कितनी जल्दी कर पाते हैं या क्या आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन मार्क करने में तो आपकी हैबिट फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाएगा इस पोल के थ्रू तो स्टार्ट करते हैं सभी को गुड इवनिंग हो चुकी है बहुत बहुत गुड इवनिंग हो गई पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत सारी नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी ठीक इसके बाद मंडे से ये एक तरह का वार्म अप है कि हमें पता लगे एक मिक्स क्वेश्चन का सेट हम कर पाए थर्टी पूरे जिसमें सभी टॉपिक्स मिक्सड हों और हम देखें कि इस बार क्या कुछ नए चेंजेस हुए ऑनलाइन एग्जाम में और इसके बाद मंडे से आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं थर्टी मार्क्स के हर एक

जो सेवेंथ फेज वैकेंसी है उसका ऑफिशियल सिलेबस आ गया है बैच में भी रजिस्ट्रेशन आपके आज से ही कल से शुरू हो गए बाइस से बैच शुरू हो जाएगा तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं सीटेट के बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं कहां से करियर ऐप से जाकर के कि कि किसी भी फेक वेबसाइट से अगेन नहीं जुड़ना है फटाफट से चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ कुछ नई चीजें हैं जो हमको जाननी है ठीक है समझते हैं कहानी है क्या और जानेंगे लाइक लाइक् सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा ये सेशन आपको ऑफकोर्स पसंद आएगा है ना देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और पोल भी आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा जिसमें आप जवाब देंगे कि भैया क्या सही है क्या गलत है कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए तीस सेकेंड आपके पास है आप पोल में आंसर आराम से कर सकते हैं ठीक है और आज आपको ये देखना भी है कि अगर आप रॉ जिस जितनी तैयारी आपकी आज है उस समझ के साथ अगर आप क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो कितने नंबर आप ला पा रहे हैं है ना कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एक टॉपिक से या उसके आसपास से वो मैं कनेक्ट करके आपके साथ डिस्कस करूंगी ठीक देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन है हमारे सामने फटाफट से समझेंगे कल संडे है और कल की बात कल ही करेंगे या लास्ट में करेंगे अभी पहले आप जवाब दे दीजिए क्वेश्चन नंबर वन पोल आपके सामने है देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तो ये क्या कहता है चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज ये क्वेश्चन हर बार आता है आप पेपर उठा करके देख लीजिए आपको किसी ना किसी फॉर्म में यही क्वेश्चन लैंग्वेज पर और इवन सेम क्वेश्चन एज इट इज थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क दे करके

समय की एक विशिष्ट अवधि पर यानी एक निश्चित समय है एक ऐसी स्टेज है जहां वो बाकी स्टेजेस के मुकाबले आसानी से भाषा को सीख जाएंगे बात सही है गलत है बिल्कुल सही है अगर आप 25 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती है और आपका एक बच्चा है जो पांच साल का है तो ज्यादा संभावना है कि वो आपसे बेहतर या जल्दी ही लैंग्वेज पकड़ लेगा क्यों क्योंकि वो उसके लिए क्या है क्रिटिकल पीरियड है सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्पेसिफिक पीरियड है जब लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट होगा ठीक है ना तो समझते हैं बहुत सरलता है के साथ आप इस अवधि में भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं यानी एनवायरमेंट के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया मतलब हाफ बैटल इज वॉन आधी लड़ाई आपने जीत ली ठीक इस पीरियड को क्या कहते हैं सेंसिटिव पीरियड कहेंगे जोनल पीरियड कहेंगे और टिपिकल पीरियड कहेंगे या नॉन रिस्पॉन्सिव पीरियड कहेंगे तो जैसा कि आप लोग सभी सही उत्तर दे रहे हैं ज्यादातर लोग क्या है सेंसिटिव पीरियड ये कहलाता है यानी संवेदनशील काल कहा जाएगा किस चीज के लिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग संवेदनशील काल हो सकते हैं जैसे इस बार सेंसिटिव पीरियड पूछा गया किसके लिए न्यूरो के लिए या ब्रेन प्लास्टिसिटी के लिए उसको भी मैं अभी एक बोनस क्वेश्चन के रूप में आपको यही समझा करके चलूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो ठीक तो सेंसिटिव पीरियड कहलाएगा ये सेंसिटिव क्यों क्योंकि आप इस समय में बच्चा इस समय में दो से छ वर्ष के समय में स्पेशली क्या है Sensitive है लैंग्वेज को सीखने के लिए तो ये सेंसिटिव पीरियड या संवेदनशील काल कहा जा सकता है इसको आप क्रिटिकल पीरियड कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं कि भाषा विकास सबसे तीव्रता से इसी उम्र में होता है इसी सेंसिटिव पीरियड में होता है और ये पांच साल की उम्र तक जो एल की बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं वो वही पीरियड है क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से इस टाइम पे उनका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है बहुत एक्टिव होता है उम्र के साथ ये धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये जोनल यानी क्षेत्रीय कोई क्षेत्रीय अवधि होती है ये किसी क्षेत्र की बात हो रही है जी नहीं एज की बात हो रही है टिपिकल यानी विशिष्ट याबनॉर्मल पीरियड है ये ये नहीं बिल्कुल नॉर्मल है 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 सेंसिटिव पीरियड खराब बात नॉन अप्रतिक्रियात्मक अगर नॉन होता और यहां हम क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस एज में बच्चा रिस्पॉन्सिव होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए और ये कह रहे हैं जी नॉन रिस्पॉन्सिव है तो कुछ और ही बात चल रही है चार ऑप्शन में से हमें एक ही बेस्ट ऑप्शन चूज करना है उसके अलावा तीन ऑप्शन से ये सीख लेना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं है ना रट्टे नहीं लगाने समझना चीजों को तो सेंसिटिव पीरियड पीरियड या या क्रिटिकल फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सा है जिस टाइम पे बच्चा सबसे तेजी से लैंग्वेज को पकड़ेगा वो है अर्ली चाइल्डहुड ये आप कहीं नोट भी कर सकते हैं क्या है अर्ली चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे आगे चल कर है ना पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं बाल्यावस्था का पहला हिस्सा है दूसरा होता है लेटर उससे पहले है। फिर तीन आपके काम की हैं। से चाइल्डहुड को, जिसको हम रहे हैं। इसी को ने सेंसरी मोटर कह दिया गत्मक अवस्था जन्म से दो फिर चाइल्डहुड में दो पार्ट है अर्ली चाइल्डहुड दो से छ लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा प्याज़ ने छे से बारह और एडोलेसेंस ये क्या है यह है आपका बारह से अट्ठारह डब्ल्यू की माने तो दस से उन्नीस वर्ष ठीक है टीन भी जिसको हम कह देते हैं तो ये चार स्टेजेस हैं जो सबसे ज्यादा आपके काम की हैं अदरवाइज स्टेजेस बहुत सारी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेज अलग होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की अलग होती है बट आपके काम की ये चार स्टेज हैं इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता पूर्व बाल्यावस्था अब ये वो काल है पूर्व बाल्यावस्था लैंग्वेज पे क्वेश्चन दो तीन तरह से ही बन सकते हैं एक ये है आपके सामने जो बहुत बार रिपीट हुआ है है ना इसको हम सेंसिटिव पीरियड कहेंगे यानी संवेदनशील काल कहेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए है ना फास्टेस्ट पीरियड भी है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यानी सबसे तेजी से भाषा का विकास सबसे तेजी से क्योंकि बच्चा जो भी कार्टून देखना शुरू करेगा इसी उम्र में आसपास के लोगों को सुन के समझना शुरू करेगा और जो वो सुनता है वही रिपीट करता रहता है हर टाइम पूछता रहता है कुछ ना कुछ फास्टेस्ट पीरियड है यानी सबसे तीव्र गति से भाषा का विकास यहां होता है बाकी सारे विकास भी बहुत तेज हो रहे होते हैं लेकिन लैंग्वेज की बात करें तो फास्टेस्ट है क्रिटिकल पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट क्रिटिकल पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक है क्लियर है ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है नॉम चोम की जिसकी बात करते हैं वो भी सबसे ज्यादा एक्टिव यही है बच्चा पच्चीस से पचास पचपन साठ शब्द तक भी एक दिन में सीख जाता है ठीक है अगर हम बात करते हैं यहां लैंग्वेज की एक और छोटी सी बात तो कुछ स्टेजेस होती हैं सबसे पहले बच्चा कुइंग शुरू करता है कुइंग मतलब कूकना है ना छह हफ्ते में चौप टेढ़ी मेढ़ी आवाजें निकालेगा है ना जो समझी नहीं जा सकती बस वो आवाजें निकालना शुरू कर देता है कूकना शुरू कर देगा कुइंग फिर इसके बाद आती है बैबलिंग की स्टेज बलबलाना कहते हैं इसको इस टाइम पे जो सिंगल सिलेबल शब्द हैं जैसे ब म प ये क्या है सिलेबल्स होते हैं ठीक तो ये छह महीने में ये भी करना वो शुरू कर देगा सिक्स मंथ्स ठीक छे महीने के समय में क्वेश्चन आते हैं पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली और पूछे जा सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज पे क्वेश्चन सीडीपी में जब बनता है तो यही दो तरीके हैं या तो ये पूछ लेगा कि कौन सी स्टेज में क्या हो रहा है कब वो दो शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा या फिर जो आपसे पूछा गया है यही दो तरीके के क्वेश्चन है तीसरा हद से हद वो कैब्लरी पर क्वेश्चन आ जाता है कि कितना शब्द भंडार होता है तो ये तीनों टाइप में आपको कवर करके चलूंगी ताकि आगे आने वाले सेशन में आप अटके ना जब नए क्वेश्चन मिले तो ठीक तो कूंग यानी कुकना छह हफ्ते की उम्र में यानी डेढ़ से दो महीने के बीच बैबलिंग छह महीने में ब मा यहां मैं लिख भी देती हुए एग्जाम्पल के रूप में कुकना बस आवाजें निकालना है जिनका कोई मतलब नहीं होता ठीक तो फर्स्ट स्टेज हम ये मान के चलते हैं कई लोग क्राइम को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि जब बच्चा रोता है तो वो भी जन्म के समय तो वो भी भाषा की एक स्टेज होगी बट हम कुइंग से ही शुरू करते हैं ठीक है कुइंग हो गया बैबलिंग हो गया फिर आती है वन वर्ड स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है कई बार क्वेश्चन आया हुआ है वन वर्ड यानी एक शब्द की अवस्था ये आएगी एक से डेढ़ साल के बीच में वन ईयर हम इसको मान के चलते हैं जब बच्चा एक शब्द को बोलना शुरू कर पाएगा जैसे पानी बाबा मामा यहाँ पेटर शब्द है तो वॉटर में दो सिलेबल हैं एक है स्लेबल दूसरा है टर, तो ये दोनों जोड़ करके नहीं बोल पाता बैबलिंग में या तो वॉ बोलेगा या टर बोलेगा सिंगल सिलेबल शब्दों को ही का ही उच्चारण कर पाता है बैबलिंग की स्टेज में वन वर्ड स्टेज में वो पूरे शब्द को ठीक से उच्चारित कर पाएगा यानी प्रोनाउंस कर पाएगा वन वर्ड को जैसे वाटर हो सकता है पानी खाना वॉट ठीक फिर आती है टू वर्ड स्टेज टू वर्ड स्टेज या टेलीग्राफिक स्पीच भी कह देते हैं इस स्टेज को थोड़ा सा डीप में चलेंगे पहला सेशन इससे क्या होगा आपको एक समझ पैदा हो जाएगी आगे आप अटकेंगे नहीं क्वेश्चंस में है ना तो टेलीग्राफिक स्पीच हिंदी में भी टेलीग्राफिक ही कहें आप इसे तो अच्छा है टू वर्ड स्टेज कह देते हैं डेढ़ से दो वर्ष ठीक है अठारह से चौबीस महीने इस पर क्वेश्चन आया था दो में उसके बाद भी आई थिंक आया है बहुत बार के जब बच्चा वो कौन सी स्टेज है जब दो शब्द जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा मम्मी पानी ये क्या हो गया सेंटेंस हो गया अपने आप पानी दो ये सेंटेंस हो गया दो शब्द जोड़ के एक नया सेंटेंस बना दिया तो पहली बार टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं इसको जब दो शब्द जोड़ करके एक सेंटेंस बने डेढ़ से दो वर्ष में या अठारह से चौबीस महीने में ठीक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है पहली बार यहाँ पे वो नया शब्द बनाना शुरू कर देगा ठीक है इतनी बात यही हमारे काम के फिर इसके बाद लॉन्गर एट्रेंसिस है अगर आप दो साल के बाद देखें तो वो बड़े जो वाक्य है उनको बोलने लग जाएगा फिर एक और तीसरी तरह का क्वेश्चन है वोकैब्लरी पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है सीटेट में वो मतलब शब्द भंडार तो इसमें मैं हमेशा आपको एक ही सिंपल फंडा है जिससे आप याद रखते हैं प्रोफेसर स्मिथ ने जस्ट तीन अवस्थाएं बताई हैं उसकी वजह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे वो क्या है उन्होंने कहा एक साल में बच्चे के पास कितने शब्द होते हैं बताएगा कोई तीन शब्द या दो शब्द ऐसा कुछ उन्होंने वोकैब्लरी दी हुई है इससे आपको आइडिया लग जाएगा एक साल में तीन शब्द दो साल में दो सौ बहत्तर टू हंड्रेड एंड सेवेंटी टू का शब्द भंडार बच्चे के पास होगा फिर उन्होंने पांच साल की बात की है सीधा दो हजार बहत्तर शब्द याद है ये चीज अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है क्वेश्चन पूछेगा तीन साल में कितने होंगे जी तो तीन साल का जो आइडिया है वो होता है नाइन हंड्रेड के अराउंड नाइन हंड्रेड प्लस हजार के आसपास शब्द होते हैं चार साल क्योंकि ये 2000 के बीच में ही रहेगा ना दो और 2000 के बीच में रहेगा तीन साल और चार साल तो चार साल में कितने होंगे डेढ़ हजार के आसपास 1500 1600 प्लस ठीक तो ये शुरू के पांच साल का शब्द भंडार भी आपको पता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है एक साल में तीन शब्द का मतलब क्या है पानी मम्मी खाना इस तरह के कुछ तीन शब्द की वोकैबलरी उसके पास होती है एक साल की उम्र में दो साल में दो शब्द हो जाते हैं इन दो का यूज करके वो नए नए सेंटेंसेस बना पाता है फिर आती है पांच साल की बात तो पांच साल में दो हजार बहत्तर वर्ल्ड की वो है इसीलिए हम कह रहे हैं कि दो से छह वर्ष जो है बहुत ही क्रिटिकल सेंसिटिव इंपॉर्टेंट फास्टेस्ट पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास की दृष्टि से क्योंकि आप देख रहे हैं दो सौ बहत्तर से दो हजार बहत्तर कितने गुना जंप मार गया बच्चा यहां पर भाषा को सीखने में या उसका शब्द भंडार कितना बढ़ चुका है ठीक है ना तो तीन वर्ष में नाइन हंड्रेड प्लस चार वर्ष में पंद्रह सो सोलह सौ प्लस पांच का आपको पता ही है तो यही तीन तरीके हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है ये स्टेजेस वाइज कितने महीने में कितनी स्टेज कितना शब्द भंडार और तीसरा है वो आपका सेंसिटिव पीरियड फास्टेस्ट क्रिटिकल यही तीन तरीके हैं इन्हीं से लैंग्वेज पे क्वेश्चन बनता है आते हैं तो हमने कितने तरीके कवर कर लिए हैं जो भी लैंग्वेज पे पे इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा पूछा जा जा सकता सकता है है यही नहीं तीन तरीके से पूछा जा सकता है. अब यहां पे दूसरी चीज आपको मुझे समझानी है जब बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट के सेंसिटिव पीरियड की यानी भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल तो हम कह रहे हैं कि भैया अर्ली चाइल्डहुड है ठीक है ना सेंसिटिव पीरियड हो गया अगर कॉग्नेटिव डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड की बात करें

या पूरा जो चाइल्डहुड है उससे लेकर के अटोल तक ये सेंसिटिव पीरियड है किसके लिए दिमाग के डेवलपमेंट के लिए कॉग्नेटिव डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं है ना तो इसी तरह का एक नया टॉपिक इन्होंने साथ में जोड़ दिया इस बार क्या ब्रेन प्लास्टिसिटी या जिसको न्यूरो भी कहते हैं आजकल बहुत चर्चा में है पिछले दो तीन सालों से नई रिसर्च इस पर बहुत सारी आ रही है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा सीखता रह सकता है तो इससे एक क्वेश्चन आया जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि कहानी चल क्या रही है है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे डोंट वरी पेशेंस रखेंगे कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि आज का सेशन अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं आपका एक बेस तैयार हो गया अगर आपने बहुत ज्यादा पहले नहीं भी पढ़ा है तो आपको चीजें समझ में आने में आसानी रहेगी ठीक है ना तो न्यूरो या ब्रेन प्लास्टिसिटी या मस्तिष्क नमनीयता कह सकते हैं आप इसको प्लास्टिसिटी का मतलब ये नमनीयता प्लास्टिक है कोई चीज प्लास्टिक है मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता ईजिली मोल्ड किया जा सकता है कोई भी शेप दी जा सकती है तो ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरो

एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की क्षमता है हमारे ब्रेन में और जीवन भर अनुभव के आधार पे हमारा ब्रेन चेंज होता रह सकता है यही प्लास्टिसिटी है प्लास्टिसिटी मतलब चेंजेबल है जो हम डेवलपमेंट के बारे में परसों पढ़ रहे थे कि डेवलपमेंट क्या है मॉडिफ़िएबल है चेंजेबल है अमेंडेबल है प्लास्टिक इन नेचर है यानी परिवर्तन संभव है डेवलपमेंट में ऐसा नहीं कि परिवर्तन संभव नहीं है इन है रिवर्स नहीं होगा लेकिन चेंज तो हो सकता है मॉडिफाई तो हो सकता है प्लास्टिसिटी तो होती है आपका जो शुरुआती है या फिर कोई इंजरी हो जाए या फिर तीसरी चीजें जब आप कुछ नया सीखते हैं आप स्विमिंग सीख रहे हैं आप रीडिंग सीख रहे हैं इन सब चीजों से आपके जो विस्फोट करते रहते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में जिनकी वजह से आपका दिमाग एक्टिव रहता है नई नई चीजों को सीखने की क्षमता या एनवायरमेंट में अडेप्ट करने की क्षमता इस पर एक वीडियो में अलग से कल डलवा दूंगी वो आप देख लीजिएगा अब क्वेश्चन आता है इससे अभी हमने बात की थी सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट तो हमें पता है वो है क्या अर्ली चाइल्डहुड अब पूछ लिया हमसे इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी ब्रेन ये बोनस क्वेश्चन है इस पर मैंने नंबर नहीं डलवाया क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है ब्रेन प्लास्टिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं यानी मस्तिष्क नमनीयता के संप्रत की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ये सजेस्ट क्या करती है अगेन अनुभव के आधार पर अडेप्ट करने की क्षमता चेंज होने हो सकने की क्षमता ही प्लास्टिसिटी है ठीक देखते हैं ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट नॉट एनवायरमेंट यानी केवल अनुवांशिकता जीन्स जेनेटिक मेकअप ही हमारा विकास को प्रभावित करता है हमारा तो पूरा का पूरा एक टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट विकास जो है किसका गुणनफल है हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता और वातावरण का हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का तो सिर्फ हेरिडिटी थोड़ी कह सकते हैं कि जो हमें जेनेटिक मेकअप से मिल गया एनवायरमेंट में चाहे खाना दो मत दो स्कूल भेजो मत भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा नहीं है ठीक फिर है बी ऑप्शन डेवलपमेंट प्रोसीड एट सेम रेट अमोंग ऑल इंडिविजुअल्स देखिए सेम रेट पे नहीं हो सकता स्टेज सेम होती है डेवलपमेंट की डेवलपमेंट के चरण सेम होते हैं है ना बाल्यवस्था है तो पूरी दुनिया में बाल्यवस्था उसी उम्र के आसपास रहती है लेकिन दर दर तो दो भाई बहनों की भी सेम नहीं होगी कोई किसी चीज को जल्दी सीख लेगा कोई लेट सीखेगा तो ये तो दोनों ही गलत हो गए ठीक है दो तरीके हैं या तो हम सही उत्तर को पकड़ लें या फिर गलत को हटा दें अगर हमें सही नहीं पता तो जिनको <coughs> सॉरी जिनको ब्रेन प्लास्टिसिटी नहीं भी पता था वो भी इस आंसर तक पहुंच सकते थे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एलिमिनेट करके एलिमिनेट करके जो गलत ऑप्शंस हैं वो कब पता होंगे आपको जब आपने बाकी चीजें पढ़ी होंगी नया कॉन्सेप्ट आ भी जाए तो डरना थोड़ी है अगर आपने बाकी चीजें पढ़ी हैं आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे ठीक है ना तो एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ कॉगनेटिव डेवलपमेंट यही बात जब बात सेंसिटिव पीरियड ऑफ ऑफ्नेटिव डेवलपमेंट की आएगी तो हम कहेंगे एडोलेसेंस और चाइल्डहुड जो है बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है इस चीज के लिए जब लैंग्वेज की आएगी तो हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करेंगे ठीक है तो बाल्यवस्था और किशोरावस्था का की जो पूरी अवस्था है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था कहलाती है बहुत ही क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट पीरियड कहलाता है ठीक है ना तो ये एक बात होगी इसी को हम प्लास्टिसिटी से जोड़ रहे हैं कि इस टाइम पे आपका ब्रेन सेंसिटिव है ये वो पीरियड है जब ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम हो सकता है संवेदनशील है उस टाइम पे डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन इन वन डोमेन डोमेन इन्फ्लुएंस अब ये बात हमने पढ़ी है कि विकास के जो तीन मुख्य प्रकार हैं पीसीएसई एसई एक साथ ही काउंट होता है इसलिए तीन मुख्य प्रकार हैं फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल इमोशनल शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं शरीर में चोट लगेगी मन भी ठीक महसूस नहीं करेगा है ना तो ये क्या हुआ मतलब इसका सिंपल ये है कि भैया इंटर रिलेटेड होते हैं अंत्य संबंधित होते हैं विकास के जो पक्ष हैं क्षेत्र हैं ऐसा नहीं है किसी का किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना ब्रेकअप होने पर चार दिन तक पढ़ते नहीं है लोग कोई डेथ हो जाए आसपास तो पूरा डिस्टरबेंस हो जाता है ऐसा थोड़ी आप उस समय पर काम करना नहीं जानते हैं कोई बट इमोशंस हिले हुए हैं है ना जैसे हमारे जो टाइपिस्ट है उनकी मदर की डेथ हो गई है तो अभी वो दो तीन दिन छुट्टी पे है तो ऐसा थोड़ी उनको टाइपिंग नहीं आती है बट इमोशंस हिले हुए हैं काम नहीं करेंगे उस समय पे या सही महसूस नहीं कर रहे हैं तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा तो फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल इमोशनल चारों जो एस्पेक्ट हैं वो जुड़े हुए हैं ठीक तो ये तीनों ही बातें गलत थी तो एक ही ऑप्शन बचेगा जो अपने आप में सही हो जाएगा कोई पांचवा ऑप्शन तो सही होगा नहीं भाई आंसर आपके सामने है यही है इन चार ऑप्शन में से कोई एक होगा तो सी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर की प्लास्टिसिटी क्या है वो पीरियड जो सेंसिटिव पीरियड है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या है चाइल्डहुड और अडल्ट इसमें दो प्रकार की ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है एक है आपका स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी दूसरी है फंक्शनल प्लास्टिसिटी मैं कल कल से एक वीडियो डलवाऊंगी तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी बहुत लंबी चली जाएगी नहीं तो ये स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी है कि जब आप कुछ नया सीखते हैं कुछ नया करते हैं अपने दिमाग को चैलेंजिंग टास्क में इन्वॉल्व करते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का वो भी चेंज हो जाता है जैसे आपने सुना होगा जो लोग मेडिटेशन वगैरह लंबे समय तक करते हैं तो उनका जो आई थिंक एमिक जिससे स्ट्रेस इंड्यूज होता है वो वाला जो पार्ट है ब्रेन का वो कम होने लगता है या तो हिपोकैंपस या एमिक इन दोनों में से कोई

जवाब देंगे पोल में बहुत लंबी कहानी चल गई ठीक है ना बहुत बढ़िया बीबीएससी का सिलेबस अरे टेंशन ना लो यार उसके लिए बैच आ गया है और जो प्रैक्टिस वगैरह हो गया जो भी मैं कर सकते होंगी उस पर मैं चर्चा कल करूंगी उस पर एक अलग से वीडियो ला करके आपसे बात कर लूंगी ठीक है ना देखिएगा पोल में जवाब दीजिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे ये जितने भी लोग हैं जो लाइक शेयर करना भूल जाते हैं भैया लाइक शेयर किया करो पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए मस्त तरीके से सीखेंगे है ना अब मदर नोटिस दैट वन ऑफ हर ट्विंस एक माँ ये नोटिस करती हैं इस बात पे ध्यान जाता है उनका कि उनके ट्विंस मतलब दो बच्चे हैं ट्विंस भी दो प्रकार के होते हैं आपको पता है एक आइडेंटिकल ट्विंस जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं एक सेम जेंडर होगा

फिर से पैर की ओर जाता है डेवलपमेंट विकास जो है पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा फिर गर्दन फिर धड़ संभालना सीखेगा ये सब क्या है बिल्कुल सही बात है सेफेलो कौडल है ये सेफेल का मतलब होता है खोपड़ी और वहीं से बना है सेफेलो, कौडल ठीक बात तो सही है अब पेडागोजी में ऐसा हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हो लेकिन वो अपनी अपनी जगह सही है ना भाई मेरे लिए क्या बेस्ट है दुनिया में हर इंसान बेस्ट है आप शादी करने जा रहे हैं मान लेते हैं ये एग्जाम्पल बहुत देती हूँ समझ में आता है है ना दुनिया में हर इंसान बेस्ट है अपने आप में आपके लिए क्या बेस्ट है या जरूरत किस चीज की है उस समय पे? ये देखोगे ना तो चार ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ट होना चाहिए ना हमें बेस्ट ऑप्शन चाहिए चारों सही हो सकते हैं पेडेगॉजी में ठीक है ना तो ये अपने आप में सही है लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा क्वेश्चन ने हमसे कुछ और पूछा है ठीक बी ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज अमोंग एवरीवन यानी विकास जो है वो हर चरण में बढ़ता रहता है चलो बात तो ठीक है लेकिन कुछ और पूछ रहे थे फिर आता है सी ऑप्शन डेवलपमेंट एट डिफरेंट डिफरेंट पेस अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है यही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की थी कि गति पेस रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन डिफर इन टू इंडिविजुअल स्टेज सेम रहती है देखिए दो चीजें यहां पे एक तो है स्टेज और दूसरा है ये भी मैं आपको दे दूंगी पीडीएफ जब आपको मिलेगी ना तो ये भी इंक्लूड करके दे दूंगी एक चीज है स्टेज स्टेज यूनिवर्सल होती है डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है वो यूनिवर्सल है सार्वभौमिक है चाहे कजाकिस्तान का बच्चा हो चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो अफगानिस्तान का हो इंडिया का हो कहीं दुनिया का कोई बच्चा हो विकास के चरण सेम रहते हैं जवान होने से पहले बचपन आता है ऐसा नहीं होता पहले बुढ़ापा आ गया बाद में आप अडल्ट हुए वयस्क बने या बाद में किशोरावस्था आई एक सीक्वेंस है जो फॉलो होता है ठीक है ना तो सार्वभौमिक है स्टेजेस सबके लिए सेम रहती है क्या रहती है सेम रहती है लेकिन क्या एग्जैक्ट सेम डे पे दो बच्चे चल जाएंगे कोई जल्दी सीख लेगा कोई चीज कोई थोड़ा धीमे सीखेगा तो जो रेट है यानी चरण तो सेम हो सकते हैं बट दर भिन्न होती है इसको दूसरे शब्दों में पेस भी कह सकते हैं विकास की गति भिन्न हो सकती है जबकि तो गति क्या है सेम नहीं होगी नॉट सेम फॉर ऑल जबकि स्टेज सेम रहेगी इन दो चीजों में जो लोग कंफ्यूज होते हैं हर साल एक नंबर गवा के आते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन इस पर आता ही आता है ठीक है जी तो विकास के जो चरण है वो सबके लिए सेम है कि पहले इन्फेंसी होगी फिर अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड अडोलसेंस अडल्टुड ओल्ड एज ये सब लेकिन दर भिन्न हो सकती है दो तीन साल के बच्चे जरूरी नहीं है कि दोनों सेम समय पर चलना सीखें कोई पहले सीख लेगा सेम समय पर बोलना सीखें कोई जल्दी बोलना सीख लेगा किसी को ज्यादा शब्द आते होंगे ठीक तो ये बात हमें समझ के रखनी है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स कि विकास जो है वो अलग अलग गति से हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो बात सही है या गलत है है बिल्कुल सही है. ठीक कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो बता दो फिर डी ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक यानी पहले सामान्य गतिविधि करता है बच्चा बाद में विशिष्ट यानी पहले वो पूरे हाथ से किसी चीज को पकड़ना सीखता है बाद में वो उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखेगा जो कि स्पेसिफिक है बात तो सही है बट पूछा क्या था पूछा तो नहीं था ये पूछा तो नहीं था ये स्टेज बाय स्टेज पूछा तो नहीं था ये पूछा तो ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है भैया दो जुड़वा बच्चे हैं सेम टाइम पे पैदा हुए हैं एक साथ पैदा हुए हैं माता जी भी एक ही हैं अब पहले क्यों चलना सीख पा रहा है एक बच्चा क्यों क्योंकि दर का अंतर हो सकता है विकास की प्रक्रिया में जो कि सी ऑप्शन में ही कहा गया है बात सही है या गलत है बिल्कुल सही है सी ऑप्शन पे चलते हैं सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हमको ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं मुझे लग रहा है ना बट कोई बात नहीं समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से

मध्य प्रदेश में और पी एस टेट का भी बहुत बढ़िया यार देखिए तो अभी हम कितने लोग जुड़े हुए हैं बारह हजार एक सौ तिरपन और छह हजार चार सौ लोगों ने लाइक किया ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर रखनी होती है जितने लोग लाइव हैं उतने लोगों को लाइक करना होता है ये यहाँ का रिचुअल है ठीक है जी अच्छा समझ में आता है इससे बकवास कर रही हूँ मैं देखो एक बार क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन आपने जवाब दे दिया मैं पोल में ये नहीं देख पा रही हूँ कितने सही परसेंट लोग कर रहे हैं वो कल से देख पाऊंगी इसमें लॉग इन करके दिखाना एक बार डी ऑप्शन कितने लोग लोग यानी सही उत्तर दे रहे हैं बाकी के जबकि चौसठ परसेंट लोग सही जवाब खूब अच्छा खासा दिया है अब ये सही जवाब क्यों है इसको देखना जरूरी है ठीक डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन विकास किस पर निर्भर करता है पहला ऑप्शन है जेनेटिक डिस्पोजिशन पर आनुवांशिक प्रवृत्तियों पर जो जीन्स से हमें मिला है जो हेरिडिटी से हमें मिला है, जो हमारे से है।, बात तो सही है उसका रोल होगा मेचोरिटी में गलत है कभी बीच से पकड़ेगा यानी लैंग्वेज का खेल होता है टॉपिक वही है सिलेबस सेम है इतने सालों से सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं का भी प्रभाव पड़ता है जिस समाज और संस्कृति में आप रहते हैं उस समाज और संस्कृति का आपके विकास की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है ऐसा वाइगॉस्की भी कहते हैं ऐसा ज्यादातर लोग मानते ही हैं ठीक है ना ये हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट में भी कर रहे थे बैच वाले थोड़ा सा याद कर लें या जिन्होंने यूट्यूब पर भी पढ़े हुए हैं प्रीवियस सेशन उनको भी बात पता होगी फिजिकल एनवायरमेंट भौतिक वातावरण मैंने कल परसों ही बताया था किसी बैच में कि एनवायरमेंट दो तरह के होते हैं एक होता है फिजिकल एनवायरमेंट दूसरा होता है सोशल एनवायरमेंट फिजिकल एनवायरमेंट क्या है भौतिक एनवायरमेंट पेड़ पौधे जलवायु अग्नि आकाश वटेवर जो भी आप कहना चाहें तो एनवायरमेंट दो प्रकार का है अगर हम यहाँ पेडागोजी में देखें तो एनवायरमेंट किस तरह का है दो मुख्य प्रकार है एनवायरनमेंट के वो क्या है ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा ये आपको एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है ठीक एक है आपका फिजिकल एनवायरमेंट भौतिक वातावरण जिसको हम कह रहे हैं जो हमारा एयर वाटर ट्रीज जो आप कहना चाहें ये सब भौतिक एनवायरमेंट में आते हैं यानी फिजिकल एनवायरमेंट में आते हैं आपके मैप आते हैं ना जब आप मैप लेने जाते हैं पढ़ते होंगे तो उसमें मैप आपके दो तरह के आते हैं एक पॉलिटिकल मैप एक फिजिकल मैप जिसमें नदियां होती हैं जिसमें लोगों की कहानियां होती हैं दूसरे वाले ठीक फिजिकल और दूसरा है आपका यहाँ पॉलिटिकल नहीं है सोशल एन्वायरमेंट कह सकते हो आप ठीक है ना सोशियो कल्चरल भी कह सकते हो तो सोशल एन्वायरमेंट है दूसरा सामाजिक जिसमें लोग हैं है ना जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं ठीक समाज जिसमें आ जाता है ठीक पीपल लिख देती हूं मैं आसानी के लिए दोनों ही तरह के एनवायरमेंट का प्रभाव आपके विकास पर पड़ता है की कहते हैं सोशल एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, है। प्याजो को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने फिजिकल एनवायरमेंट को भी काफी महत्वपूर्ण माना है भौतिक वातावरण जिसको हम कह रहे हैं तो भाई एनवायरमेंट तो किसी भी तरह का है इंपॉर्टेंट तो है ठीक तो अगर हम देखें भाई सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस की अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में आप रामायण पढ़ रहे हैं महाभारत देख रहे हैं उसका एक प्रभाव पड़ेगा आपके विकास पर किसी और कंट्री में आप कुछ और देखते हैं वहां का कल्चर डिफरेंट तरीके का है उसका कुछ और प्रभाव पड़ेगा आपके विकास पे लेकिन प्रभाव पड़ेगा फिजिकल एनवायरमेंट जो भी आपके आसपास की दुनिया है लोगों को हटा भी दें तब भी उसका प्रभाव आप पर पड़ता है ठीक तो आंसर क्या हो गया तीनों ही बातें सही है देखो एस इस तरह के ऑप्शन में ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव सही हो यानी तीनों ऑप्शन सही हो लेकिन हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है बस आपको यह देखना है क्या आपको तीनों में से किसी एक को हटाने का वैलिड रीजन आपके पास है क्या आप श्योर हैं अगर आप श्योर नहीं है तीनों में से किसी एक को हटाने के तो आप ऑल ऑफ दी दब के साथ जाइए ये बेसिक रूल होता है प्रोबेबिलिटी का जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं नन ऑफ दीज की संभावना कम होती है कि ओनली वन ओनली टू वो ओनली टू पे तब जाइए जब आप बहुत श्योर हैं कि आपको पक्का पता है बाकी के तीनों ऑप्शन गलत है एक ही सही है ठीक ये बेसिक फंडा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है यहाँ पे सिर्फ एक क्यों सही होगा सिर्फ दोनों क्यों सही होंगे सिर्फ ये सेकंड और थर्ड क्यों सही होंगे जब तीनों सही हैं तो जब तीनों का ऑप्शन है तो हम तीनों के साथ जाएंगे अगर तीनों का ऑप्शन ना हो के सिर्फ दो का ऑप्शन होता तो जो भी बेस्ट दो हो सकते थे हम उन बेस्ट दो के साथ जाते तो का खेल है कि आप जवाब क्या देंगे ऑप्शन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर पोल आपके सामने आएगा देखिएगा प्यारे प्याजे आपके सामने आ चुके हैं जिनको हम प्यार से प्यार, प्याजे चचा बोलते हैं बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह पीएचडी व्यूएचडी पेपर वेपर लिख लिए थे तेरह तेरह साल की उम्र में जब हम खाना ठीक से नहीं सीख पाते हैं है ना देखेगा एक बार तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की फटाफट से जवाब देंगे पोल में और आगे बढ़ेंगे ये क्लास ऐप पे भी चल रही है नहीं ये यूट्यूब पर ही चल रही है आप कहोगे तो अलग से डलवा देंगे डोंट वरी देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर फोर की जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे प्याजे के अनुसार थियरी ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट प्याज ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है या मॉरल नैतिक विकास की उससे क्वेश्चन कम आते हैं कीटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से ही इनके क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है इसी के बेस पे इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास दिया था ठीक तो अगर हम बात करते हैं कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की यानी हमारे दिमाग के विकास की कॉग्नेटिव डेवलपमेंट का मतलब है जो भी काम दिमाग से होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आप इसको कह देते हैं कई बार के प्याजे ने ग्नेटिव डेवलपमेंट की स्टेज दी है ये नहीं आएगा ऑप्शन में आ जाएगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सही बात है मेंटल डेवलपमेंट आ सकता है सही बात है आया हुआ क्वेश्चन है ये मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास सोचना समझना यानी थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेजिनेशन मेमरी ये सारी चीजें परसेप्शन जो भी काम दिमाग से होते हैं वो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट में आते हैं लैंग्वेज भी आपकी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट से ही संबंधित है ठीक तो अगर हम बात करते हैं प्याजी की थ्योरी की जो कि डेवलपमेंट की, की है, यानी किस चरण पे शुड अ टीचर बताया था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देकर के जिससे आप याद रख सकते हैं याद है कुछ लोगों को जिन्होंने वीडियो देख लिए हो कल बताया था कुछ वीडियोस रिकमेंड किए थे वो देखने थे ये आता है क्वेश्चन बार बार आता है, है ना? तो अगर हम देखें कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता है ना क्रमबद्धता क्या है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अनुवर्ती क्रम में लगाना ठीक है ना के बढ़ते से से घटते घटते क्रम में से उल्टी गिनतियां सीधी गिनतियां ये याद है ना आपको वन टू हंड्रेड हंड्रेड टू वन करने में मुश्किल होती थी ठीक तो अगर हम बात करें ये कौन सी स्टेज में सिखाया जाना चाहिए या किस तरह की वो स्टेज होगी जब इसको प्रेजेंट करें क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग दिखाना एक बार 61% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं जो कि सही है बहुत बढ़िया इसका मतलब आपने सेशन देखे हैं नोट्स पढ़े हैं जो फ्री नोट्स भी हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सात से ग्यारह वर्ष अब इसका मतलब यह नहीं है प्री ऑपरेशनल में काम बिल्कुल नहीं किया जा सकता बट प्याजे ने अपने थियोरी में किस चीज को कहां इंपॉर्टेंस दिया आपको यह समझना है यहाँ प्याजे का क्रिटिसिज्म करने में नहीं बैठे हैं हम जो पूछा है उस पर बात करने पर बैठे हैं ठीक तो सात से ग्यारह वर्ष में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तीन चीजें आती हैं सीसीएस से याद रख सकते हैं सीसीएस क्या है भाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है ये सीसीएस कॉन्क्रीट सी से ही शुरू होता है मूर्त संक्रियात्मक इस अवस्था में तीन चीजें आती हैं तीन विशेषताएं है, जागृत होती हैं वो कौन सी हैं तीन सीसीएस के नाम पे एक है आपकी बताओ फटाफट से बताना चाहेगा कोई किसी को नहीं बता अब छोड़ दिया उन्होंने ठीक और सीरिएशन क्रमबद्धता छोटे से बड़े क्रम में लगाना बड़े से छोटे क्रम में लगाना है ना और कंजर्वेशन संरक्षण जिसको हम कहते हैं कि बच्चा यह समझने लगता है कि बर्तन की शेप और साइज चेंज करने पे क्वांटिटी चेंज नहीं होगी ये 200 सौ एम पानी मैं इस मग में डालू मैं इस मग में डालू जो कि डल नहीं पाएगा है ना बराबर ही होगा चाहे दिखने में ये दोनों अलग हूं ये कंजर्वेशन है संरक्षण है तीसरी चीज है क्लासिफिकेशन आप लोग बिल्कुल सही लिखना शुरू कर चुके हैं यानी जब आप क्लासिफाई वर्गीकरण सीख जाते हैं वर्गीकरण क्या है मुझे पता है भैया ये ट्राइंगल की शेप है तो इसको एक साथ रखूं ये सर्कल है तो एक तरफ जाएगा ये स्क्वायर है तो एक तरफ जाएगा तो स्क्वायर को स्क्वायर के साथ ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ कलर के आधार पे या दिखने के आधार पे आप अलग अलग वर्गीकृत कर, वर्गी कर पाते हैं क्लासीफाई कर पाते हैं चीजों को तो ये तीन क्षमताएं आती हैं आपके अंदर कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन सीरिएशन सात से ग्यारह वर्ष की उम्र में ठीक ये ध्यान रखना है सीधा क्वेश्चन बनेगा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी इनकी एज पे भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है अब देखिए एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन शिफ्ट्स में पेपर होता है कि प्याजे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपसे आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा क्योंकि पता नहीं कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो भाई ऑनलाइन में इतनी सारी शिफ्ट है तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बनते हैं तो वो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए ठीक क्वेश्चन नंबर फाइव है एज पर जीन प्याजेज थियरी यानी प्याजे की थियोरी की माने तो इंडिविजुअल्स स्ट्राइव टू अचीव द स्टेट ऑफ डैश थ्रू एंड एंडेशन यानी प्याजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के बीच इसको आप एसिमुलेशन आत्मसातीकरण और क्या कहेंगे आ, समायोजन के बीच बैलेंस स्ट्राइव करने की कोशिश करता है व्यक्ति बैलेंस क्रिएट संतुलन बनाने की कोशिश करता है उस संतुलन को क्या कहते हैं सालों से हम डिस्कस ही ऐसे करते आए हैं संतुलन क्या कहलाता है इक्लिब्रेशन कहलाता है सबसे आसान क्वेश्चन है ये ये क्या है ये? संतुलन यानी वाली जो बात करते हैं हम इसको ही जो हल है है वो कहते हैं खैर ये कहानी आपके सीटेट से बाहर की है. तो आप इतना ही समझिए इक्लिब्रेशन मतलब बैलेंस इक्वल करना एक तरह से ठीक है ना बराबर तो अभी आएंगे इस पर डिस तो यहां पर इक्वल ना होने वाली स्थिति है ठीक परसेप्शन हमें पता है हमारे पांच सेंसेस हमारे ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो

ऐसीमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच में के द्वारा कि आप चीजों को एसिमुलेशन मतलब ऐड करना आप कुछ ऐड करके या कुछ चेंज करके मॉडिफाई करके बैलेंस पे आना चाहते हैं अपने दिमाग में अपने संतुलन को बना करके रखना चाहते हैं इसी को इक्विलिब्रेशन कहते हैं क्या है इक्विलिब्रेशन आपके दिमाग में है कि जो आपका एरोप्लेन होता है या मान लीजिए बर्ड है तो बर्ड के बारे में आपने सुना है कि बर्ड होती है उड़ती है उसके दो पंख होते हैं तो ये आपने एसिमुलेट किया हुआ है मतलब जब आपने अगली बार अगली बार बर्ड को देखा तो आपने कहा अरे बर्ड है तो इसका मतलब आपके दिमाग में जो है और दुनिया में जो है वो दोनों बैलेंस में है द थिंग विच इज इन योर ब्रेन एंड इन दी आउटसाइड वर्ल्ड दोनों क्या है बैलेंस में है ना इक्वेलिटी में है इसी को संतुलन कह रहे हैं अगर जो आपने देखा मान लीजिए आपने देखा एक एरोप्लेन को और आपने उसको बर्ड कह दिया और किसी ने कहा बेटा ये बर्ड नहीं है ये है एरोप्लेन अब आपको पता नहीं एरोप्लेन क्या होता है नई सिचुएशन आ गई ना तो ये डिसिक्लियम हो जाएगा आपके दिमाग में असंतुलन हो जाएगा अब आपको नहीं पता ये क्या है और हमारा ब्रेन चाहता है कि हम में तो यही चलता रहता है आप चीजें एड करते हैं बैलेंस में आ जाते हैं नई सिचुएशन आती है या तो पुरानी सिचुएशन से मैच कर जाएगा अगर गलत कोई इंफॉर्मेशन है तो डिसबैलेंस हो जाएगी चीज डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए अकोमोडेशन का यूज किया जाता है फिर कोई और नई सिचुएशन आएगी आप एसिमुलेट कर लेंगे ऐसे ही हमारा स्कीमा या मेंटल स्ट्रक्चर जो मानसिक हमारी संरचनाएं हैं वो क्या होती रहती है अपडेट होती रहती है स्कीमा क्या है जो भी आपके ब्रेन में चीजें भरी हुई हैं आपकी पूरी मेमोरी आपकी जो भी समझ है जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है जिसके आधार पे आप ये कह पा रहे हैं ये पेन है जिसके आधार पे आप ये पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके ब्रेन में एक स्कीमा बना हुआ है एक मेंटल स्ट्रक्चर मानसिक संरचना बनी हुई है जो अपडेट होती है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के माध्यम से एसिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन मतलब समायोजन ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक छह साल का बच्चा है मनीष आप में से भी होगा कोई ना कोई बट छह साल का नहीं होगा आई बिलीव ठीक तो मनीष आ सिक्स ईयर ओल्ड बॉय एक छ साल का बच्चा मनीष टेंड्स टू सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम हिज व्यू पॉइंट ओनली बहुत अच्छा क्वेश्चन है यानी मनीष छ साल का है और वो पूरी दुनिया को अपनी नजर से देखता है कई लोग सोलह साल में भी यही करते रहते हैं और छब्बीस में भी ऐसे ही रहते हैं वो दुनिया को अपनी ही नजर से देखते हैं बस ठीक तो वो जो अनुभव करता है पूरी दुनिया को या अपने वर्ल्ड में वो अपने ही व्यू पॉइंट को लगाता रहता है हर जगह एंड फेल्स टू कंसिडर अदर्स व्यू पॉइंट दूसरों के पर्सपेक्टिव को उनके परिपेक्ष को समझ नहीं पाता ठीक है ना अब यहां पर ये क्या है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ये कंजर्वेशन है प्याजे के अकॉर्डिंग भाई प्याजे पे एक ही पेपर में चार क्वेश्चन ये ऑफलाइन एग्जाम में नहीं होता था ये ऑनलाइन एग्जाम में होने लग गया कि एक पेपर में चार चार क्वेश्चन डायरेक्ट तीस नंबर में से प्याजे पे पहले ये टोटल मिला के चार बनते थे कि दो क्वेश्चन सीडीपी में पूछ लिया या एक सीडीपी में पूछ लिया एक हिंदी पेटोलॉजी में पूछ लिया एक इंग्लिश में पूछ पूछ लिया कभी कभी मैथ्स में भी पूछ लेता है लेकिन ये जो नई कहानी है कि एक पेपर में प्याजे भर रहे हैं तो प्याजे ही भर दिया तीन चार क्वेश्चन में देख रहे हो गॉस्की पे तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया अब पहले नहीं तो हम ये मान के चलते थे जैसे मैं आपको सिलेबस में भी बताती हूँ कि ये तीन से चार नंबर का टॉपिक है तो इस केस में इन्होंने डेवलपमेंट के क्वेश्चन कम कर दिए ये वाले सेट में तो अब आपको सब कुछ बराबरी से पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है पता नहीं है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन दे दें ऑनलाइन में इनका थोड़ा सा हिल गया है मुझे लगता है देखिएगा एक बार तो कंजर्वेशन यानी संरक्षण ईगो सेंट्रज ये हमें पता है अहम केंद्रता है ये तो रिवर्सिबल थिंकिंग होता है पलट के देख पाना चीजों को आप एक से हंड्रेड की भी काउंटिंग कर पा रहे हैं हंड्रेड से वन की भी कर पा रहे हैं ये रिवर्सिबल है ठीक साइंटिफिक रीजनिंग भाई जो व्यक्ति साइंटिफिक रीजनिंग लगाएगा जो लॉजिक लगाएगा वो दूसरे के परिप्रेक्ष्य को क्यों नहीं समझेगा तो ये तो गलत बात हो गई रिवर्सिबल थिंकिंग की भी यहां बात नहीं हो रही है बट कुछ हद तक रिवर्सिबल थिंकिंग इसमें जिम्मेदार होती है ठीक फिर आता है कंजर्वेशन कंजर्वेशन अलग ही कहानी है कि शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है 200 सो पानी है तो उसको बाल्टी में डालो ट्रक में डालो रोड में फैला दो वॉट वो 200 सौ ही रहेगा किसी भी बर्तन की शेप या साइज बदलने से वो 200 सौ चेंज नहीं हो जाएगा वॉल्यूम सेम रहता है शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम में या मात्रा में अंतर नहीं होता ठीक बी ऑप्शन यानी ईगो यानी आत्म केंद्रियता यह बात बिल्कुल सही है जब आप ईगो सेंट्रिक होते हैं मतलब ईगो का मतलब यहां आए से है जब आपका पूरा फोकस खुद पे ही रहता है आप दूसरे का परस्पेक्टिव नहीं समझ पाते इसी को हम क्या कह रहे हैं इसी को हम कहते हैं ईगो सेंट्रिक होना की बच्चा जो है पिताजी आए ऑफिस से अब पिताजी को आज निकाल दिया गया नौकरी से भगवान अगर ऐसा हो बट हो सकता है तो अब पिताजी का मूड खराब है बॉस से डांट खा के आए बच्चों को बढ़िया मैंने कहा था आपसे कार लाने को कार तो लेके नहीं आए वो पूरा लेट लेट के रोएगा कि मैंने कहा था कार लेके आनी थी कार लेके आनी थी है ना वो उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है तो वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए असक्षम है उस समय पे उसे लगता है अगर डोरेमोन पसंद है और आपने ये कह दिया कि यार डोरेमोन तो कितना खराब है ये पागल सा कह के देखो आप बच्चों को वो पूरा गुस्से में आ जाएगा ऐसे कैसे कह सकते हो यार मेरा डोरेमोन है या कोई कोई फेवरेट एक्टर है है उनका या कोई है, या हीरोइन फिर एक्ट्रेस है है बेसिकली तो जो भी उनको पसंद है, वो दूसरा परसपेक्टिव नहीं देख पाते वो ये नहीं कहेंगे भाई तेरी बात भी सही है मेरी भी सही है ऐसा कुछ नहीं है वो कहेगा जो मैं कह रहा हूं वही सही है तो ये ईगो सेंट्रस है ये अहम केंद्रता है बच्चे को दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता सिंपल बात अभी आएंगे इसको और अच्छे से समझेंगे एक माउंटेन एक्सपेरिमेंट भी थेमेंट यानी पहाड़ का एक्सपेरिमेंट ऐसे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं अलग अलग इगो सेंटर्स को समझाने के लिए सिमुलेशन को समझाने के लिए माउंटेन एक्सपेरिमेंट पहाड़ का प्रयोग कह सकते हो आप इसको ठीक एक बच्चा है जिसको और ये कब से कब तक होता है ये आपको पता होना चाहिए ये लिमिटेशन है मैं यहां लिख भी देती हूं ये लिमिटेशन है किसके बीच की इस पर भी क्वेश्चन आता है और ये घुमा देता है इसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग क्योंकि रट्टे लगाने होते हैं तो हम लगा लेते हैं लेकिन समझने में थोड़ा दिमाग खर्च होता है और अच्छा टीचर भी लगता है लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज प्री ऑपरेशनल बताया आपको प्याजे की सेकेंड स्टेज है अभी मैं बता देती हूँ याद करने का तरीका प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अच्छा एक और काम जल्दी में नहीं रहना है सीखते समय आप मूवी देखते हैं आप तीन घंटे की पूरी मूवी देख लेते हैं आप बातें करते हैं किसी से दस मिनट के लिए आप फोन पे एक घंटा बात कर लेते हैं जब आप पढ़ने आते हैं आप सोचते हैं वीडियो को टू एक्स पे चला दू और अगर मेरी वीडियो आपने टू एक्स पे चला दी तो वो फोर के बराबर है क्योंकि मेरी खुद की स्पीड टू है ठीक है ना तो इस केस में यह करना है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो चाहे कुछ भी हो आप लेट्स लर्न से पढ़ रहे हो कहीं और से पढ़ रहे हो खुद से पढ़ रहे हो जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना लर्निंग क्या है ग्रेजुअल प्रोसेस है धीरे धीरे होगी पूरा टाइम देके देकर बढ़ना ये अरे टाइम वेस्ट हो रहा है यार थोड़ा जल्दी बता दो कहां की जल्दी है भाई सीखने का समय नहीं है नौकरी कहां से मिल जाएगी फिर ठीक लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल ताकि चीजें दिमाग में लगे आप दो घंटे का वीडियो एक घंटे में देख लेंगे पे बट वो किसी काम का नहीं है आपने वो चीज पहले से ना पढ़ रखी हो और रिविजन के लिए देखा हो क्योंकि वो दिमाग में टिकेगी नहीं ना फिर धीरे धीरे होती -दी है लर्निंग नहीं तो एक दिन में सिलेबस खत्म कर दे रोज पढ़ने की क्या जरूरत तो लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज पे की प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम दो से सात वर्ष मानते हैं टू सेवन ऑफ एज प्याजे की चार स्टेजेस जिनको याद रखने का सिंपल फंडा मैंने आपको बताया हुआ है यानी कुछ लोगों का ध्यान लगता ही नहीं है एस फॉर पीपल सी फॉर कांट फोकस ठीक ये फंडा है बेसिकली इसको याद कैसे रखना है एसपीसीएफ सेंसरी मोटर जन्म से दो वर्ष गत्यात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल दो से सात वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सात से ग्यारह वर्ष इसी को स्कूल एज इसी को लेटर चाइल्डहुड कहते हैं इसी को लेटेंसी कहते हैं सिगमंड फ्राइड इसी को आ, जो आपकी कॉम्पिटेंस वर्सेस कौन सी स्टेज है इसकी इनकी एरिक्सन की तो एरिक्सन की स्टेज है ये एक बार याद करके बताओ फटाफट फ़ड़ से मतलब मैं ही भूल गई एरिक्सन कहते हैं इसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी ठीक तो ये तीन नाम है इसके ये जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो कनेक्ट करके बताऊंगी अभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री वर्स इंफीरियोटी जब कॉम्पिटेंस डेवलप होता है लेटेंसी स्टेज है फ्रॉइड के अनुसार ये भी जाने लग गए ना आप दोनों और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है इसी स्टेज, इसी स्टेज एज की बात हो रही है आ, किसके अनुसार प्याजे के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल वे में तो यही लेटर चाइल्डहुड है सूडो मेचोरिटी की एज भी यही है जो मिथ्या परिपक्वता रॉस जिसको हम कहते हैं गैंग एज भी यही है ठीक है तो सबको जोड़ के लिख लेना एक जगह पे ठीक है कुछ ही लोग बता पाए इसका मतलब आप लोग काफी नए लोग हैं प्रीवियस थियोरी देख लो यूट्यूब पर भी कराया हुआ है उनको आ, एरिक्सन को Pride की अगर सॉरी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें ग्यारह से पंद्रह वर्ष या इलेवन ये चार स्टेजेस हैं प्याजे की जो याद रखनी है अब इसमें कुछ रुकावटें हैं लिमिटेशंस हैं प्रॉब्लम्स हैं किसकी रुकावट ही लिख लेती हूं या सीमाएं कहते हैं वैसे इनको प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण उसमें से एक है

ईगोसेंट्रिक होते हैं यानी दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ नहीं पाते ये दोनों लिमिटेशंस हैं इनको बहुत पॉजिटिव नहीं मानना एक बार क्वेश्चन आ गया था और इसको दूसरी भाषा में इरिवर्सिबल थिंकिंग में एक चीज होती है सेंट्रेशन केंद्रीकरण ये भी कह देता है तो आया था कि टेंडेंसी टू कंसंट्रेट अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ एक बार तो ये नेगेटिव है ये लिमिटेशन है इस स्टेज की कि बच्चा एक ही चीज पे सेंटर्ड है वो किसी चीज की हाइट देखेगा तो हाइट ही देखेगा उसकी चौड़ाई नहीं देख पाएगा उसका रंग नहीं समझ पाएगा उसका सारा फोकस एक चीज पे होता है जैसे अगर आप देखते हैं दो बच्चों की जो हाइट है मान लीजिए मैं पांच साल की हूं और मेरा एक भाई है जो तीन साल का है बट उसकी हाइट चलो ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया मेरा एक भाई है जो सात साल का है और मेरी हाइट ज्यादा हो गई मान लो उससे तो मैं क्या कहूंगी या कोई भी व्यक्ति जो आप मुझे दिखाओगे जिनकी हाइट जिसकी ज्यादा होगी मैं कह दूंगी यही बड़ा है भाई जिसकी हाइट ज्यादा है दैट मीनस मैं सेंटर्ड हूं एक ही चीज पे केंद्रीकरण है मेरे थॉट का सेंट्रेशन है कि मैं बाकी एस्पेक्ट नहीं देख पा रही भैया एज जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है जैसे आपको याद होगा पहले हम समझ नहीं पाते थे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1998 है और किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2000 तो हमें लगता था ये वाला बड़ा होगा ये 2000 वाला क्योंकि हमारा सारा फोकस है आगे वाली गिनती पे हम रिवर्स नहीं कर पा रहे थॉट को हम सेंटर्ड है हमारा थॉट इसी को सेंट्रेशन कहते हैं ठीक है तो ये एक बेसिक बात हो गई कोई कह रहा है भाई की ज्यादा है आपसे हाँ उसकी सच में ही ज्यादा है तो हो सकता है किसी को देख के लगे जो छोटा बच्चा है अरे ये भैया बड़े होंगे दीदी तो जरा जरासी है, है ना जरा सी तो नहीं हो बट हाँ यही मान सकते हो आप ठीक तो वो ही सेंट्रेशन है अब माउंटेन एक्सपेरिमेंट इगो सेंट्रिज को समझने के लिए क्या कहता है एक बच्चा है जो इधर बैठाया गया इसका नाम कुछ भी रख देते हैं इसका नाम सुषमा नहीं रखेंगे वैसे रख सकते हैं हम जेंडर स्टेडियोटिपिकल तो है नहीं हम तो इस बच्चे का नाम आज हम सुषमा रख देते हैं ठीक है हम जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहे हैं ठीक और ये बच्चा है जिसका नाम रॉबिन रखते हैं हम ठीक है ना ये मत पूछ लेना रॉबिन कौन है देखिए तो अगर हम बात करें ये काल्पनिक नाम है अब सुषमा जो है बेसिकली उन्होंने कहा इस बच्चे से कि तो सबसे क्लोजेस्ट जो पहाड़ है वो कौन सा है कहा भाई ये सबसे बड़े वाला अब कहा कि एक बार उसके व्यू पॉइंट से बताओ जो ये इधर डॉल बैठी हुई है या रॉबिन बैठा हुआ है रॉबिन को सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा नजर आ रहा होगा सबसे क्लोज पहाड़ कौन सा नजर आ रहा होगा सबसे पास कौन सा होगा अब ये व्यक्ति या सुषमा जो है हमारा वो रिवर्स नहीं कर पा रहा वो कह रहा है भैया जो मुझे बड़ा नजर आ रहा है जो मेरे सबसे पास है वही उसके पास होगा ये इमेजिन नहीं कर पा रहा ये इमेजिनेशन की प्रॉब्लम है।, है ना एबस्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई अभी रिवर्स नहीं कर पा रहा कि मैं अगर उधर बैठूं तो क्या बड़ा दिखेगा या पास कौन सा दिखेगा बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है आपको लग रहा होगा क्या मजाक चल रहा है है ना तो अब ये यहां बैठ के नहीं देख पा रहा यह कह रहा है यही यही होगा होगा सबसे पास 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 रॉबिन के भी पास यही जो मेरे पास है है जबकि ऐसा नहीं होता इसका मतलब आप आप, सेंटर्ड है किसी एक थॉट पे आप, आपको लग रहा है दुनिया सारी आप ही के अराउंड घूम रही है ठीक है ना खैर ऐसी बातें बीच बीच में करते रहेंगे सुषमा और रॉबिन को अभी के लिए विराम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर है सेवन आज ये सेशन खत्म हो जाएगा या नहीं चलिए कोई बात नहीं बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट थे जो हमने किए हैं और बहुत संख्या में आप लोग इस समय में बने हुए हैं रात के समय कई लोगों को स्कूल जाना होता है कई लोगों के बच्चों को स्कूल जाना होता है कई लोगों को खुद स्कूल जाना होता है कई लोगों को, को सुबह उठना होता है सेवंथ फेज की बात कल करेंगे करियर विल पे बैच आ चुका है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अच्छा एक और चीज कल संडे है तो आपको ना आपके बच्चों को स्कूल जाना है

फोर्थ स्टेज ठीक है जी चौथा चरण जबकि टोटल स्टेजेस कितनी है सिक्स स्टेजेस हैं लेवल कितने हैं तीन है हर एक लेवल पे दो स्टेज हैं तो तीन दुनी होते हैं छे ठीक है ना थ्री टू जाए सिक्स अंग्रेजों के लिए ठीक बताइए एक बार बी ऑप्शन कह रहे हैं कई सारे लोग चलिए समझते हैं लॉज एंड रूल्स मस्ट बी ओबेड टू प्लीज अदर्स बट ये तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है जब मुझे दूसरों के सामने अच्छा बन के दिखाना है तो मैं रूल्स को मान रही हूँ क्यों क्योंकि पापा कहेंगे तो, uh, तो अगर हम बात करें लॉज एंड रूल्स मस्ट बी प्लीज अदर्स तो ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है जब आप अच्छा दिखने के लिए कोई काम कर रहे हैं और जब पिताजी ना देख रहे हो पिताजी पीछे ना बैठे हो तो वही बेटी जो है लिटा लिटा के बाइक चलाती है रिकमेंडेड नहीं है अभी एक न्यूज आई थी बहुत खतरनाक होती है ओवर स्पीडिंग देखिए बी ऑप्शन देखते हैं लॉज एंड अथॉरिटीज मस्ट बी ओबेड सो दैट सोशल सिस्टम इज में यानी जो नियम और कानून हैं उनका पालन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि समाज में एक नियम बना रहे एक व्यवस्था बनी रहे अगर हर कोई रेड लाइट तोड़ेगा तो रुकेगा कौन रेड लाइट पे और फिर एक्सीडेंट ज्यादा होंगे के हो जाएगा ऑर्डर नहीं फॉलो हो पाएगा समाज में एक नियम नहीं बना रह पाएगा बात तो सही है लॉज एंड रूल्स मस्ट बी ओवेड ओबेड टू अवॉइड पनिशमेंट यह पहली स्टेज है फर्स्ट जो आपकी कौन सी स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली क्या आप बात इसलिए मानते हैं कि डांट पड़ जाएगी ये स्टेज है आपकी थर्ड गुड बॉय गुड गर्ल वाली ठीक लॉज एंड रूल्स मस्ट बी ओबेड ओनली इफ दे फुलफिल आर नीड्स टिट फॉर टेट सेकेंड स्टेज ठीक है जी तो ये ऑप्शन देख के आपको पता लगना चाहिए तभी कहेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर है अदरवाइज तो रट्टे लगाए हैं ठीक तो यहां पे फोर्थ स्टेज की बात हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की वो सिर्फ बी ऑप्शन में ही उसकी बात हुई है बाकी तो किसी में थर्ड की किसी में फर्स्ट की किसी में सेकंड की तो बी ऑप्शन इज ओनली राइट आंसर ओवर हियर अगर मैं थोड़ा सा आपको स्पीड में बताना चाहूं कि चाहूंगल कौन सी स्टेजेस है मैं बताती हूँ एक मिनट रुक करके और आ, फिर एथ क्वेश्चन पे चलेंगे ये सारा लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में ही टेलीग्राम चैनल पे अब इससे ज्यादा क्या बच्चे की जान लो यार देखो अगर हम बात कर रहे थे लबर्ग की बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं कोलबग ने नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है सही और गलत अगर मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो किसी के लिए कुछ सही और गलत होगा ही नहीं तो समाज में रहने के लिए सही और गलत बनाए जाते हैं जिसके लिए मॉरल वैल्यूज की हम बात करते हैं तो इन्होंने प्याजे की थ्योरी थी मॉरल डेवलपमेंट की उससे इंस्पायर्ड एक थ्योरी थी कॉपी नहीं की तो कोलब ने कितने तीन लेवल्स दिए इन्होंने थ्री लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दिए जिसमें हर एक लेवल पे दो स्टेजेस थी

सबसे दुलारे लेव लेगॉस्की इनके इनके ज्यादातर क्वेश्चन बस तीन चीज़ों से सॉल्व हो जाते हैं जो मैं आपको बताती हूँ एस सी एल बी नहीं है ये एस सी एल है है ना याद रखने के लिए मैं आपको ये चीजें एसोसिएट कराती रहती हूँ ब्रेन में बीपीएल होता है ना बिलो पॉवर्टी लाइन तो हम एस सी एल हमने एक बनाया हुआ है याद रखने के लिए बेगोस्की से रिलेटेड समाज यानी सोसाइटी कल्चर यानी संस्कृति और लैंग्वेज ये तीन चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी थियोरी में इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं बताइएगा फटाफट से फिर हम आगे बढ़ेंगे आपका लाइव क्लास पहली बार देख रहे हैं बहुत बढ़िया है। बंकेश नाम है आपका चलिए ठीक है बंकेश आप देखते रहेंगे समझ में आता रहेगा चीजें डिटेल में हम करते हैं जल्दबाजी आपको नहीं रखनी है जल्दी करनी है जल्दबाजी नहीं करनी है ठीक है चलिए समझते हैं तो ले के अनुसार कौन सा सिद्धांत सही है कौन सा एक ऑप्शन सही है कॉग्नेटिव थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट देखिए कॉग्नेटिव थ्योरी तो दी है वाइगॉस्की ने वाइगॉस्की की थियरी प्याजे की थियोरी बात दिमाग के विकास की ही कर रही है संज्ञान के विकास की ही कर रही है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की ही कर रही है मेंटल डेवलपमेंट की ही कर रही है लेकिन प्याजे की थियोरी का नाम प्याजेज कॉग्नेटिव डेवलपमेंट है की थी का नाम वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत थियोरी का नाम काग्नेटिव डेवलपमेंट नहीं है लेकिन जो थ्योरी है वो काग्नेटिव डेवलपमेंट की ही बात करती है संज्ञानात्मक विकास की ही बात करती है तो मॉरल डेवलपमेंट की बात इन्होंने नहीं की कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की की है ना ये तो फिर प्याजे या कोहलवक की तरफ चला जाता आंसर

सांस्कृतिक सिद्धांत ये कह रहे हैं एज वेज से फर्क नहीं पड़ता भैया ये सात से ग्यारह दो से छह जो प्याजे कर रहे थे ये कह रहे हैं जिस समाज और संस्कृति में आप रहते हैं आपका अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है कैसे लोगों में आप उठते और बैठते हैं उससे आपकी समझ निर्धारित होगी अगर वाइगोस्की की माने तो मैं आपके साथ यहां खड़ी हुई हूं अदरवाइज मैं आप में से कई लोगों से एज में छोटी हूं ठीक लेकिन ये कहते हैं भैया एज से फर्क नहीं पड़ता आपका जो इंटरेक्शन है उससे फर्क पड़ेगा कि आपका कॉग्नेटिव डेवलपमेंट कैसा होगा

ओके okay. तो अगर हम बात करें यहां पर तो एज पर लेगॉस्ट की इन सिचुएशन आ टीचर शुड क्या करना चाहिए टीचर को जब बच्चा अटक रहा हो किसी प्रश्न को हल करने में उसको चुनौती महसूस हो रही है वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहा चलिए समझते हैं तो इग्नोर कर देना चाहिए तो भैया टीचर किस लिए बिठाया है वहां मूफली छीलने के लिए कि बच्चे को समस्या हो और आप इग्नोर करके आराम से अपना पानी पिए स्वेटर बुनें डांस करें है ऐसा थोड़ी है कि उसको अकेले ही सॉल्व करते रहना देना चाहिए और उसको इग्नोर कर देना चाहिए तो इग्नोर इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड कोई सकारात्मक शब्द नहीं है टीचर के लिए आप सपोर्ट के लिए है वहां ठीक है ना देखिए नेक्स्ट है बी ऑप्शन गिव हिंट्स एंड क्यूज टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग नेक्स्ट मूव यानी विद्यार्थी को अगले कदम के लिए संकेत या इशारे के द्वारा थोड़ा सा हिंट देना चाहिए ताकि उसको पता लगे कि वो नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाए जहां वो अटक रहा है उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या कर देना चाहिए बच्चे को थोड़ा सा हिंट देना चाहिए सही है नहीं है सही है। फिर आएंगे लेकिन हमें उससे भी बेहतर नहीं देना जवाब में कुछ नहीं और जबकि आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो बीच में ही रहना है आपको ठीक है ना हटा देंगे इसको भी पनिश द स्टूडेंट इसका अधिकार आपके पास बचा नहीं है राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है बच्चे को आप कॉर्पोरल पनिशमेंट मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते आंखें भी नहीं दिखा सकते ठीक है ना तो आप नहीं करेंगे दंडित नहीं कर सकते हैं एज पर लॉ कुछ स्कूल होगा बट हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि हम परिवर्तन ला सकें थोड़ा बेहतर कर सकें चीजों को जो एजुकेशन पॉलिसीज में कहा गया है उसको हम सच में इंप्लीमेंट कर सकें कुछ हद तक है ना रियलिटी में चीजें मुश्किल होती है बट अच्छे टीचर्स करते हैं ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स बस डंडे ही लेकर के घूम रहे हैं बच्चों के पीछे ठीक और आप देखेंगे जो अच्छे टीचर्स हैं उनकी क्लास में सबसे ज्यादा एकदम डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है बातचीत भी होती है मजे करते हैं पूरे सीखते हैं लोग ठीक तो अगर हम बात करें पनिशमेंट आप दे नहीं सकते इमीडिएटली बताने का कोई सेंस नहीं है इग्नोर आप बच्चों को देंगे तो आपका कोई रोल नहीं बचा एक ही ऑप्शन सही है गिव हिंट्स एंड क्यूज टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग नेक्स्ट मूव स्टेप पे बच्चा अटकता है, जहां अटकता है है जहां वहां उसको थोड़ा सा हिंट दे, दे देनी है प्रॉब्लम मान लीजिए चार स्टेप का क्वेश्चन है एक उसने सोल्व कर लिया दूसरा कर लिया तीसरे पेट का हुआ है तो आप तीसरे में या तो उसको थोड़ा सा सोल्व कर दें हाफ सॉल्व कर दें पूरा सोल्व नहीं करना हिंट दे दें क्यूज दे दें इनडायरेक्टली इसको स्कैप कहते हैं वाइगॉस्की की भाषा में मचान कहते हैं इसको हेल्प कहते हैं कि आप स्कैप कर रहे हैं बच्चे को हिंट दे करके या टेम्परे सपोर्ट देकर के जैसे आप जब साइकिल चलाना सीखते थे तो पीछे से कोई पकड़ लेता था जैसे ही आप चलाना खुद से शुरू करते थे हाथ हटा लेता था पीछे वाला आजकल तो जमाना बदल गया चार पहिए वाली साइकिल आने लग गई है वो स्कैप फोल्डिंग है जब आप छत पे खुद नहीं चढ़ पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं आप करते हैं सीढ़ी का इस्तेमाल वही सीढ़ी स्कैप फोल्डिंग है जो आप खुद से नहीं कर सकते उसमें मदद आपको थोड़ी सी मिल जाए तो आप कर लेंगे वो चीज अकेले नहीं कर पा रहे थे ठीक है ना चले आगे बढ़े कहानी समझे क्या कहानी है बहुत बढ़िया देखते हैं समझते हैं क्या कहानी है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन क्या कहता है समझिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की क्या कहता है बताइए एक बार पोल में जवाब देकर के कौन है ये बिहार टीचर सिलेबस आउट हो गया हाँ मैंने बता दिया आज शुरुआत में ही क्लास के ये क्लास आपकी पर लगी हुई थी कल हम उस पर चर्चा करेंगे कल संडे भी है है ना चलिए समझते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर टेन अगर हम बात करें इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी एक प्रगतिशील कक्षा में स्टूडेंट्स फोकस शुड बी ऑन बच्चों का फोकस किस चीज पे होना चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चों का फोकस किस चीज पर होना चाहिए बताइए आप फटाफट से प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव ये वर्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है प्रोग्रेसिव मतलब आगे की ओर बढ़ना मॉडर्न टाइम्स की तरफ बढ़ना बेहतरी के लिए आगे बढ़ना प्रगति के लिए आगे बढ़ना शब्द में ही लिखा हुआ है प्रगतिशील यानी आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं ठीक तो जो प्रगति की ओर बढ़ने वाली शिक्षा है अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप इसका जवाब ढूंढ पाएंगे कंपीटिंग विद देयर पियर्स यानी कॉम्पीट कराएंगे अरे देखो शर्मा जी का बेटा वर्मा जी का बेटे से अच्छा है तुम कितने खराब हो ये करेंगे हम ये सही तरीका नहीं है होता आया है समाज में आज भी होता है और कुछ समय तक या मुझे लगता है कि अभी भी होता रहेगा कुछ समय तक लेकिन परिवर्तन आ रहा है तो कॉम्पीट नहीं करेंगे ये कोई भी अच्छा तरीका नहीं है प्रोग्रेसिव तरीका नहीं है तो ट्रेडिशनल तरीका है पारंपरिक तरीका है जमानों से चला रहा है कॉम्पिटिशन तो तो कंपटीशन से ज्यादा जरूरी क्या है कोलैबोरेशन है सहयोग है ग्रुप में सीखे बच्चा कोऑपरेट करे रोट मेमोरी रटंत विद्या चलंत ना ही रोट मेमोराइजिंग एज मच एज पॉसिबल भैया जितना हो रट्टे लगवा दो कंठस्थ करा दो फिर वो पेपर में जाके फेल हो जाते हैं सीटेट जैसे एग्जाम में जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉन्सेप्ट चेक करता है क्यों क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पढ़े ही नहीं थे हमने तो बस पेपर में पेजेस भरे थे ठीक

कि शुरुआत में ठीक रहता है या कहीं कहीं भी ठीक रहता है बीच बीच में कंस्ट्रक्टिंग द और ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका है पारंपरिक तरीका है ये ये आज से से नहीं जमानों से लोग यही करते आ रहे हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज विद एक्टिव पार्टिसिपेशन नया तरीका है ये मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग है ये प्रोग्रेसिव थॉट है ये प्रगतिशील बात है कि आप बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करा दीजिए ज्ञान की संरचना में सक्रिय भागीद्वार सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान का सृजन करना यानी जब बच्चा खुद से इन्वॉल्व होगा जैसे आप अभी इन्वॉल्व है आपको किसी ने बुलाया तो नहीं जबरदस्ती है ना कोई पैसे वैसे देखिए बुलाया किसी को दो चार रुपए गए हो कहीं से है किसी ने यह भी नहीं कहा बल्कि आप मेरे पीछे पड़े हुए इतने दिनों से मेरा गला खराब था मैं बीच में कहीं गई हुई थी कि, कि कब क्लास लोगे कब क्लास लोगे इसका मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट होने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड हैं है ना मैं और आप अभी मिलकर के सीख रहे हैं ऐसा नहीं है मैं कुछ आपके दिमाग में भर दे रही हूँ वो ट्रेडिशनल वे है वो चाइल्ड सेंटर्ड वे नहीं है कि जब टीचर आए और दिमाग में भर दे बच्चे खाली बर्तन है

तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू आप ज्ञान का निर्माण कराते हैं जिस चीज में आप खुद से इन्वॉल्व होते हैं उसको आप बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं और भूलते नहीं है 11 तो ये की में बात करती। एक मिनट अभी पोल में दीजिए अगर हम बात करें यहां पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तो इसके बारे में दो शब्द जान लेना जरूरी है प्रोग्रेसिव क्लासरूम इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है एक्टिव कंस्ट्रक्शन की बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेगा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना जॉन डुई इसकी बात करते हैं प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे उन्होंने और उनकी वाइफ ने शिकागो में अमेरिका के अंदर ट्वेंटी सेंचुरी में नाइनटीन हंड्रेड्स के अराउंड और उनको यूनिवर्सल एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहा गया था लैब स्कूल्स भी उनको कहा गया था ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि लैब स्कूल्स तो लैब स्कूल्स की स्थापना प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए की गई थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये मानता है कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी यानी बच्चे को ग्रुप में सिखाना चाहिए और एक्टिविटी करके सक्रिय रखना है उनको लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए कौन कह रहे हैं जॉन डीवी जिनको हम कह देते हैं हिंदी में या जॉन डुई अमेरिकी शिक्षा शास्त्र कह सकते हो तो आप इनको बहुत प्यारे प्यारे काम किए हैं एजुकेशन में ये कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाना है आपको शिक्षा जीवन के जैसी होनी चाहिए ये नहीं है कि जीवन जीना बाद में सीख रहे हैं शिक्षा में कुछ और ही पढ़ लिया था रट्टे लगा लिए थे वो जीवन में काम ही नहीं आया ठीक तो एजुकेशन इज लाइफ विट सेल्फ जॉन डुई कहते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कहता है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर हार्वर्ड गार्डनर पे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है निश्चित रूप से आएगा और आजकल जैसे मैं ये शब्द बोलना नहीं चाह रही हूँ जो भी खाना वाना खाया हुआ है सीबीएससी वालों ने तो वो एक टॉपिक से जो एक नंबर का आता था, था उससे कई कई क्वेश्चन जो है वो दे दे रहे हैं ना तो अब आप समझ सकते हैं कि थोड़े से हिल गए हैं तो हो सकता है गार्डनर से अभी एक क्वेश्चन आता है कल को दो तीन आ जाए ठीक तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये कौन है जो लाल आंखें दिखा रहा है हमको कोर्स लिया सीटेट का पेपर टू के लिए मुझे नेक्स्ट टाइम एग्जाम देना है क्या नेक्स्ट टाइम के लिए हेल्पफुल होगा अरे बिल्कुल होगा यार रोज आसानी सिलेबस थोड़ी चेंज होगा और फिर लिया है तो फिर कुछ सोच के लिया होगा ना तो टेंशन नहीं लेनी है अभी तो एक साल तक वैलिडिटी होती है ना या मतलब जब तक भी नेक्स्ट सीटेट आएगा देखो अगर हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं है जिस क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ हो जिस क्वेश्चन में लीस्ट लिखा हुआ हो जिस क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा हुआ हो हिंदी में कहें तो नहीं सिवाय अलावा ये शब्द जहां लिखे होते हैं उस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ध्यान रख करके दिया जाता है थ्री इडियट वाले कान खड़े कर लिए जाते हैं और ध्यान से आंसर करते हैं क्वेश्चन आसान होता है बट फंसने के चांसेस होते हैं क्योंकि हम नॉट पढ़ना ही भूल जाते हैं हम इतनी भावनाओं में बह जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि दिक्कत हो जाती है ठीक है ना हो जाएगा गीता इतने मैराथन देखो नोट्स दिए वो पढ़ो बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर होगा डोंट वरी है ना मैं मैराथन भी कराऊंगी एंड में टेंशन क्यों लेते हो देखो तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं है मल्टीपल इंटेलिजेंस एम बोलते हैं उसको ये वो फोन वाला नहीं है मल्टीपल इंटेलिजेंस इनकी एक बुक थी जिस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में आई थी उसमें सात प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने बाद में ऐड हो गए आठ नौ भी हैं अभी दस ग्यारह बारह तक भी हैं लेकिन जो एनसीआरटी है वो आठ प्रकार को ही आज भी मानती है तो मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहुबुद्धि यानी बुद्धि के कई प्रकार प्रकार हो सकते हैं जिसमें से आठ प्रकार की बात इस थियरी में हुई है ठीक अब ये आठ प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है लिंग्विस्टिक भाषा भाषक बुद्धि बिल्कुल शामिल है अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि भाषक बुद्धि में मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि जो आपके पोइट्स होते हैं या फिर जो भी लिखने वाले लोग हैं है ना वो सब क्या है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का पार्ट है जिनका भाषा पे पकड़ अच्छी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस खुद सोचिए स्पेशल इंटेलिजेंस इसमें आर्किटेक्ट आ जाएंगे आपके ठीक म्यूजिकल इंटेलिजेंस ए आर रहमान का एग्जाम्पल बहुत बार दिया जाता है तो म्यूजिकल भी है स्थानिक बुद्धि संगीतीय बुद्धि ये सब है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसपे एक बुक भी है भावनात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि डेनियल गोलमैन ने उस बुक का नाम दिया है और आई थिंक जॉन मेयर करके एक व्यक्ति हैं मेयर एंड करके व्यक्ति थे 1990s में ये येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने पहली बार इस को दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस को कि जिन लोगों का इमोशंस पे कंट्रोल होता है अपनी भावनाओं पे नियंत्रण होता है उनके प्रति वो अवेयर होते हैं यानी इमोशनल अवेयरनेस होती है इमोशनल मैनेजमेंट होता है कंट्रोल करना जानते हैं दिशा देना जानते हैं इमोशंस को वो इमोशनली इंटेलिजेंट है जो हर चीज पे आंसुई बहाते रहते हैं वो उनको कहेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट कम है वो इंटेलिजेंट है ना

एक कथन है दूसरा कारण है कथन सही है कि कारण सही है कि दोनों सही है या दोनों गलत है या कोई एक गलत है ये चार संभावना बताइएगा बट आप फट से बताइएगा ये कौन बातें कर रहा है भाई ध्यान मत दीजिएगा हम यहां ऐसे ही गला फाड़ रहे हैं की कर लो कमेंट्स में है देखिएगा अगर हम बात करें देखिए, ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारा डटे रहो आज कोई बात नहीं एक बार अच्छे से डिस्कशन करना जरूरी है फिर हम टॉपिक वाइज मंडे से आएंगे और देखते हैं क्या कहानी है अजरशन कथन क्या अकॉर्डिंग टू दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो के अनुसार ऑल चिल्ड्रन अपू दी फिफ्थ स्टैंडर्ड यानी पांचवी कक्षा तक जो बच्चे हैं सभी बच्चे पांचवी कक्षा तक फिफ्थ स्टैंडर्ड तक शुड बी गिवन एजुकेशन इन देयर मदर टंग मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए यानी जो भी भाषा उनके घर पे बोली जाती हो उसी में उनको पढ़ाया जाना चाहिए बात सही है या गलत है बिल्कुल सही है ऐसा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भी कहता है और एनसीएफ भी कहता है और आज नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है और ये फैक्ट है रीजन क्या है इसका यंग चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट मोर क्विकली इन देर मदर टंग यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं जब उनकी भाषा में उनको मातृभाषा में समझाया जा रहा हो भाई अगर आप मुझे मेरी भाषा में समझाएंगे तब तो समझ आएगा जो भाषा मुझे आती ही नहीं है अगर आप उसमें समझाना शुरू कर देंगे तो मुझे कठिनाई होगी तो इसीलिए कहा गया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मातृभाषा में पढ़ाओ क्योंकि मातृभाषा में आप एक तो स्कूल उनके लिए नई जगह है जब वो छोटे हैं दूसरा आप उनकी भाषा में भी नहीं पढ़ा रहे तो वो कनेक्टेड ही महसूस नहीं करेंगे ठीक है तो ये दोनों बातें सही है कि अर्थपूर्ण लगती है वो चीज जिसको हम समझ पाए तो बात तो सही है तो ये भी सही है यानी दोनों सही है ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है कि जब दोनों सही हो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता बोथ एन आर आर ट्रू एन आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिल्कुल सही है बोथ ए एन आर आर ट्रू बट आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भैया आर सही तो कह रहा है इसी बारे में बात हो रही है इसी का इसने उत्तर दिया है कि क्यों पढ़ाना चाहिए मदर टंग में यही तो बताया तो ऐसा तो है नहीं कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा ए सही है आर गलत है क्यों भाई ए एन आर दोनों फॉल्स है क्वेश्चन क्वेश्चन को तो एक एक नंबर आपका कम से कम से दो ये सेट में देते हैं कई बार मन कर जाए तो ज्यादा भी दे सकते हैं तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर इस तरह के और रीजनिंग वाले क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए हम लगभग फिफ्टी परसेंट काम आज के लिए कर चुके हैं हाउ शुड अ टीचर डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स एक क्वेश्चन इस पे आना ही है निश्चित रूप से आना है और अब ये टॉपिक केवीएस से लेके डी प्लस बी से लेके अभी बिहार में एग्जाम होगा आई एम श्योर sure, अगर पेडोलॉजी पूछेंगे तो जेंडर जरूर पूछेंगे अगर जेंडर नहीं पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे भैया क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए अभी है ना समाज के लिए बताइए एक बार तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी जेंडर की देखिए वोट कीजिए आप चुनाव वाली वोट नहीं कि वोट हमें ही दीजिएगा ये पोल में आपको वोट करनी है फटाफट से बताओगे फिर आगे बढ़ेंगे देखिएगा फटाफट से बताओ चंपू लग रही हूँ बटन बटन लगा के चलो कोई बात नहीं देखो बी ऑप्शन आप लोग यार इतनी संख्या में रात को जगे रहते हो बताया नहीं आपने पहले कभी हाउ शुड अ टीचर डील विद जेंडर स्टीरियो टाइप जेंडर स्टीरियो टाइप क्या होते हैं लिंग रूढ़ी बद्धताएं या लिंग रूढ़ीवाध्यताएं रूढ़ीबद्धता किसको कहते हैं हम रूढ़ीवादी किसको कहेंगे हम जो जमानों से जो चीज चली आ रही बाबा आदम के जमाने से यही कहा जाता है ना नॉर्मल भाषा में उसी चीज को मानते जा रहे हैं साइंस कुछ और कह रहा है लॉजिक कुछ और कह रहा है समाज बदल गया दुनिया बदल गई लोग बदल गए ये वही वही के वही है ल, लकीर के फकीर बोलते हैं ना जिनको कि मतलब इनमें परिवर्तन नहीं हो पा रहा तो जेंडर स्टीरियो यानी स्टीरियोटाइप मतलब जो परिवर्तन समय के साथ जिसमें हुआ ही नहीं है बस जो चीज चली आ रही है चली आ रही है जिसमें कोई लॉजिक हो नहीं हो बस मानते आ रहे हैं ठीक तो स्टीरियो जेंडर स्टीरियो क्या होता है कि भैया लड़के रोते नहीं है ठीक लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए हम देख रहे हैं अभी एयरफोर्स पायलट तक बन रही हैं लड़ाकू विमान में जा रही हैं महिलाएं अगर हम बात कर रहे हैं आपके इतने सारे एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में जब आप ईवीएस पढ़ते हैं है ना वहीदा प्रिज्म से लेकर के सुनीता विलियम्स तक के कैसे एस्ट्रोनॉट बन रही हैं फीमेल्स अभी हम कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे देश में स्पोर्ट्स को लेकर के हैं तो जेंडर स्ट्री टाइप वो है कि भाई फलाना काम लड़कियों को करना चाहिए और फलाना काम लड़कों को करना चाहिए काम बांट दिया आपने क्यों क्योंकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है तो जेंडर के आधार पर काम नहीं बांटने स्टीडियो को कम करने के लिए आप क्या करेंगे पहला ऑप्शन है प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स जेंडर टिपिकल रोल को रोल को अगर आप प्रमोट करेंगे भैया लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए किचन में उनको नौकरी पे नहीं जाना चाहिए तो इससे तो और खराब होने वाली है चीजें लॉजिक कुछ है नहीं बस बातें देनी है ठीक तो प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स अमॉंग स्टूडेंट्स गड़बड़ हो जाएगी इससे तो और प्रमोट होगा स्टीडियो इस बढ़ेगा इससे तो कम थोड़ी होगा हमें तो इसको कम करना है क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं है अभी बताऊंगी कैसे नहीं है सेंस प्रेजेंट रियल लाइफ काउंटर स्टीरियो वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो काउंटर करते हैं उस रूढ़ीबद्धता को अच्छा आप कह रहे हैं अच्छा लड़का लड़की ये नहीं है वो नहीं है इनको काम नहीं करना चाहिए लड़कियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए फलाना नहीं करना चाहिए तो आप उसका लॉजिक देंगे या उस तरह के एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करेंगे उस क्षेत्र में जब जहां लड़कियों ने भी काम किया है तो आपको पता लगेगा यार ये तो नॉर्मल चीज है तो ये ठीक कैसे होगा डिस्कशन से होगा चर्चा से होगा दूसरा हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऐसे प्रेजेंट करने पड़ेंगे कि जहां से बच्चे ये सीख पाए कि भैया दोनों जेंडर्स कुछ भी कर सकते हैं दो इंडिविजुअल्स हैं वो उनको जेंडर में जबरदस्ती बा, बांटने की कोशिश नहीं करनी बहुत ज्यादा तो इसमें एक उदाहरण ये हो सकता है कि भैया एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स एक बच्चा है जो ये सोचता है कि उसने बुक में कोई एग्जाम्पल देखा कि जिसमें कोई काम पे जा रही है महिला अब उसने अपनी माताजी को अपनी दादी को अपने आसपास की महिलाओं को बुआ को कभी काम पे जाते वो देखा नहीं है उसको तो ये पता है खाना तो महिलाएं बनाती हैं काम पे तो पुरुष जाते हैं घर से अब दूसरा बच्चा होगा नहीं मेरे यहां तो दोनों जाते हैं तो ये क्या हुआ स्टीरियो जो रूढ़ीबद्धता बनी हुई थी कि नहीं सिर्फ महिलाएं घर पे रहती है पुरुष काम करने जाते हैं ये ब्रेक होगा ऐसे से रियल लाइफ एग्जाम्पल से तो यही है स्टीरियोटाइप को खत्म करने का एक तरीका कि पे चर्चा हो डिस्कशंस हो और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स में हम पुट करें स्टीरियोटिपिकल जो रोल्स है हमको चैलेंज किया जाए ये सारे वर्ड्स पेपर में मिलते हैं ऐसा नहीं मैं बस ऐसे ज्ञान की बातें कर रही हूं प्रैक्टिस सेम जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स अगर सेम ही प्रैक्टिस चलती रहेगी जो चला आ रहा है पहले से कि मम्मी है तो खाना बनाएंगे पिताजी हैं तो बाहर जाएंगे तो ये क्या है इससे स्टीरियोटाइप बढ़ेगा कम नहीं होने वाला अवॉइड डिस्कशन अराउंड जेंडर इशूज इन दी क्लासरूम लोग इससे बचते हैं

स्टीडियोटिपिकल जो थॉट uh, है उसको चैलेंज कर रहे हैं तो नॉन स्टीरियोटिपिकल क्या है कि बच्चा है लड़का है बॉय जो क्या कर रहा है गुड़िया से खेल रहा है है ना नहीं तो ये कहा जाता है ना गुड़िया गुड्डों से कौन खेल रहा है लड़कियां ही खेलती हैं अब जब ऐसा बना ही दिया गया तो अब ऑब्वियसली फिर लड़कियां खेलेंगी ठीक है तो अगर हम बात करेंगे यहाँ एक ट्रक है या कार है जिससे लड़की खेल रही है कोई गेम अब इस तरह की चीजें जब हम किताबों में दिखाएंगे टीवी में दिखाएंगे मूवीज में दिखाएंगे तब तो जाकर के परिवर्तन आएगा कि कोई भी कोई भी काम कर सकता है लड़कों को कुकिंग में इंटरेस्ट हो सकता है शेफ हो सकते हैं बहुत अच्छे लड़कियों को एडवेंचर स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है वो अच्छी पहलवान हो सकती है, है ना क्लियर है क्लियर है जी चलिए तो ये नॉन स्टीडियो रोल्स में डालना है रियल लाइफ एक्साम्पल्स प्रेजेंट करने हैं जो स्टीडियो को ब्रेक करेंगे ठीक है जी तो ये बात क्लियर हो गई हाँ क्लास डेली होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे

या हिंदी में जेंडर ही लिख देगा अगर अब तो ये होने लग गया है तो इसको हिंदी में लिंग ही कहते हैं दोनों को आपको इंग्लिश वाली साइड झांक करके देख लेना पेपर में जेंडर क्या है एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है बहुत पुराने समय से सोशल कंस्ट्रक्ट सामाजिक संरचना है जेंडर एक सामाजिक संरचना है समाज ने बनाया है कि महिलाएं ये काम करेंगी पुरुष ये काम करेंगे जबकि सेक्स क्या है एक बायोलॉजिकल संरचना है क्या है बायोलॉजिकल संरचना है जैविक संरचना है इस पर चर्चा जब एक अलग से ये टॉपिक आएगा ही ऑफकोर्स तब करेंगे वैसे बहुत चर्चा आज के लिए हो चुकी है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मतलब जैविक संरचना तो अगर सेक्स लिखा है तो ये जैविक कि भगवान ने हमें अलग अलग बनाया है या बनायावर जो भी चीज में आप बिलीव करते हैं बायोलॉजी ने हमें अलग अलग बनाया है कि फीमेल्स की बॉडी अलग होती है मेल्स की अलग होती है अलग अलग फंक्शंस है ठीक ये हमें बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के रूप में मिला है सेक्स जबकि जेंडर अगर हम देखें तो ये समाज ने बना दिया कि भैया झाड़ू महिलाएं लगाएंगी पुरुष ये करेंगे ये सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर जबकि सेक्स एक बायोलॉजिकल संरचना है बायोलॉजिकल एंटिटी है अगर मैं कहूं तो क्लियर है ये एक नंबर का क्वेश्चन है मजाक से हटके जो लोग मानते हो नहीं मानते हो वैसे जो नहीं मानते उनको ठीक करनी चाहिए अपनी सोच समय के साथ है ना और मानते हैं या नहीं मानते हैं यही सत्य है एक नंबर अगर चाहिए तो ऐसे ही करके आना है पेपर में वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि आप सोच को ही बदल लें ठीक इंसान ही बन जाए बजाय कि सिर्फ रटने के या सही उत्तर याद रखने के है ना देखिएगा रियल और रील में ज्यादा अंतर ना रखें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इना मल्टी कल्चरल क्लासरूम एक बहु, बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष में यानी जहां मल्टीपल संस्कृति के बच्चे आते हैं पढ़ते हैं एक बच्चा है जो बंगाल से है एक बच्चा है जो पंजाब से है एक बच्चा है जो हरियाणा से है एक बच्चा है जो राजस्थान से है दूसरा बच्चा है जो यूपी से है तो ये क्या हो गई मल्टी कल्चरल क्लासरूम हो गई जहां अलग अलग भाषाएं अलग अलग राज्यों से बच्चे आ रहे हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं तो एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी एक बात सही होगी बताइएगा प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप ओनली यानी जो प्रबल समूह है मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और वहां कोई एक पर्टिकुलर कास्ट है या समुदाय है जिसका प्रभुत्व है तो आप सिर्फ उसी का ध्यान रखेंगे नहीं एज अ टीचर आपको हर बच्चे को यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं चाहे वो हमारी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे हमारी वो टीचिंग लर्निंग हो हम कहते हैं विभिन्नता में एकता की बात होती है हमारे देश में ठीक तो ऐसा नहीं सिर्फ डोमिनेंट कल्चर को ही हम फोकस करें एज अ टीचर प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ डिस एडवांटेज ओनली यानी केवल सुविधा वंचित या वंचित समूह वर्ग के बच्चों के लिए ही आप काम करेंगे कि जो कोई मान लीजिए इस तरह के ट्राइबल कम्युनिटीज से है या हाशिए पे है किसी भी वजह से समाज ने उसको अलग 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 थलग कर दिया है गरीब है मतलब किसी भी सेंस में वो वंचित है तो सिर्फ उनका ही ध्यान रखेंगे नहीं ओनली वाले ऑप्शन तो वैसे खतरनाक होते हैं ठीक भाई आपको तो सबको लेकर चलना है साथ में एज अ टीचर भाई टीचर की एज अ देख, देखा जाए तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वी आर कॉल्ड नेशन बिल्डर्स तो ये बातें आइडियलिस्टिक लगती है हमें कई बार बट ये ऐसी जॉब है टीचिंग जिसको आप जितना आसान चाहे बना लीजिए जितना बोरिंग चाहे बना लीजिए और जितना इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग बनाना चाहें उतना बना सकते हैं आपके ऊपर है कि आप कैसे टीचर बनना चाहते हैं सी ऑप्शन है नेगेटिवली प्रेजेंट कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप यानी जो डोमिनेंट ग्रुप है उनको नेगेटिव कहते रहेंगे भाई आपका काम नेगेटिव या पॉजिटिव कहना नहीं है आपका काम धर्म की राजनीति करना नहीं है एज अ टीचर ठीक डी ऑप्शन है रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर

सुबह जल्दी पढ़ना पसंद करता है किसी और को कोई किसी को नीला रंग पसंद है किसी को पीला पसंद होगा वॉट किसी को कोई गाना पसंद है किसी को कोई शो पसंद है तो ये क्या हुए इंडिविजुअल डिफरेंसिस हैं कि हमारे इंटेलिजेंस हमारे एप्टीट्यूड हमारे एटीट्यूड मतलब हम अपनी रुचियों में हम दिखने में जैसे पांच उंगलियां कहा जाता है ना बहुत ही बेसिक कहावत है कि भैया पांच उंगलियां बराबर नहीं होती बट इंपॉर्टेंट है ऐसा थोड़ी कि बिना अंगूठे काम चल जाएगा एक उंगली निकाल दें चल जाएगा काम तो इंडिविजुअल डिफरेंसिस ऐसे ही है कि भिन्नताएं हैं हमें सब में लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है एज ए टीचर आपको महत्व देना है तो बच्चों की व्यक्तिक विभिन्नताओं को आपको उनके सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को जिस समाज से जिस संस्कृति से वो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके जोड़ना है उस तरह के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं आप कनेक्ट करना है बेसिकली सबको साथ लेके चलना है। यही इंक्लूसिव क्लासरूम होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जहां आप ध्यान रखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिएगा बढ़ेंगे आगे पंद्रह क्वेश्चन और हैं थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे आप अगर हम बात करें वेन असेसमेंट इज डन फॉर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्किल और लेसन ड्यूरिंग दी लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस इट रेफर्स टू यानी जब आकलन जो है वो बच्चों की समझ के आधार पे होगा या उनकी समझ को देखने के लिए होगा कि कितना उन्होंने समझा है और कब हो रहा है ड्यूरिंग द लेसन जब लेसन चल रहा है पढ़ाई लिखाई चल रही है तभी आप आकलन कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं जांच रहे हैं बच्चे को तो ये कौन से प्रकार का आकलन कहलाएगा ड्यूरिंग यानी दौरान लिखा होगा कहीं ना कहीं हाँ

आंसर लिखा खुद को ही खुद ही चेक किया कितने नंबर देंगे खुद को आउट ऑफ टेन तो ये सेल्फ असेसमेंट है जब असेसमेंट एज लर्निंग लिखा हो इसके बारे में बाकी चर्चा हम आने वाले सेशंस में करेंगे जब टॉपिक वाइज उठाएंगे अब थोड़ी चर्चा कम करके क्वेश्चंस को फोकस कर लेते हैं अगर हम बात करें प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर अचीविंग देयर पोटेंशियल इरस्पेक्टिव ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन इन एबिलिटीज इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश क्लासरूम यानी सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्र, प्राप्ति के लिए अवसर प्राप्त करना अब कई लोगों की समस्या रहेगी आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी कई लोगों के कमेंट आने शुरू हो 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 जाएंगे जब आप कराते हो, जब आप आप कराते क्वेश्चन पढ़ते हो, तो सही हो जाता है जब हम खुद से करते हैं घर पर बैठ के तो गलत हो जाता है उसका रीजन है मैं पढ़ती जैसे हूं उसमें कॉम्प्रिहेंशन शामिल है वो एक्सपीरियंस भी शामिल है साथ में तो आप पढ़ के समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी कुछ दिन आपको लगेंगे मेरे साथ उससे फिर आपका दिमाग जो है साथ में चलने लग जाएगा कि आप भी उसी तरह से

उनमें पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल करके ला रहे हैं हर बच्चे के तो किस तरह ये किस क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा ये इंटीग्रेटेड का होगा इंटीग्रेटेड में सबके पोटेंशियल पे फोकस ना करके बस उनको इंक्लूड करने की बात होती है इससे बेटर क्या है इंक्लूसिव ये क्या है इंक्लूसिव क्लासरूम इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है समावेशी शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल की बात होगी हर प्रकार का बच्चा चाहे कोई गिफ्टेड बच्चा है यानी जिसमें बहुत तेज दिमाग है कोई बच्चा है जो बहुत धीरे सीखता है कोई बच्चा है जिसको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है कोई बच्चा है जो कोई और भाषा बोलता है यानी हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करके उसके पोटेंशियल जो वो अच्छा कर सकता है उस तरफ लेकर के जाना इंक्लूसिव एजुकेशन है यानी इक्विटी बेस्ड एजुकेशन इक्विटी मतलब इक्विटी मतलब समता इस पर चर्चा बाद में करेंगे एक होती है इक्वालिटी दूसरी होती है इक्विटी इक्वालिटी से बेटर है इक्विटी की आप नीड को समझ करके तब ट्रीटमेंट दें हमेशा ये नहीं होता कि इक्वालिटी आप एक लड़का है जो मतलब आपको दिख रहा है हेल्दी और एक फीमेल है जो आपको पता है कि बायोलॉजिकली ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंथ का थोड़ा अंतर हो तो आप ये कहें दोनों को पचास पचास किलो वेट ही लेकर के जाना है ये क्या हुआ ये बेवकूफी इक्वालिटी तो हुई लेकिन इसमें इक्विटी नहीं है है ना क्योंकि मल्टीपल रीजन हो सकते हैं वो फीमेल प्रेगनेंट हो सकती है मैं सकते हैं वट एवर द रीजन इज है ना इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फीमेल कमजोर है तो ये क्या हुआ इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं आप ओलंपिक में भी देखते हैं या मतलब गेम्स भी स्पोर्ट्स में भी क्या होता है अगर कोई आ, जिसको शॉर्टपुट हम गोला फेंक बोल रहे हैं या डिस्कस थ्रो है तो इन सबका भी वेट डिफरेंट होता है वो क्यों है डिफरेंट मेल और फीमेल के लिए

तो इंक्लूसिव एजुकेशन एजुकेशन फॉर ऑल इक्विटी बेस्ड इक्विटी वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है, इस बार भी आया हुआ है इक्विटी तो नीड्स को ध्यान में रख करके, जाती है. ठीक है जी बात या कोई दिक्कत है मैम ब्लू है पानी पानी है क्या कह रहे हो ब्लू कलर मजाक हो यार की शर्ट आपके पापा की भी आई थी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ सही कह रहे हो और बताओ कुछ नई शर्ट पहने और आप यहाँ मजाक उड़ा रहे हैं हमारा चलिए आइए चलिए खैर ये सब बातें होती रहेंगी स्पीड हम बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी क्योंकि ये टॉपिक अभी मुझे डिटेल में आपको जब मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी तब भी कराने में ये बात भूल गई थी देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की जब हम बात करते हैं टू केटर टू चिल्ड्रन फ्रॉम डिसेज बैकग्राउंड यानी वो बच्चे जो वंचित समूह वर्ग से आते हैं उनको केटर करने के लिए उनका ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे फटाफट से ऑप्शन करेंगे मतलब ऑप्शन क्लिक करेंगे पोल में तीस सेकंड का समय है निपटा देंगे क्वेश्चन गिव दैम लॉट ऑफ रिटर्न वर्क रिटर्न वर्क से क्या होगा रट्टा हो जाएगा इससे तो फाइंड आउट मोर अबाउट देयर कॉन्टेक्ट एंड इन्वॉल्व दम इन क्लास डिस्कशन सबसे पहले आपको यही करना होता है कारण जानना होता है बच्चे के संदर्भ के बारे में जानना होता है फिर उसे क्या पसंद है किस चीज में वो अच्छा कर सकता है वो काम उसको देना होता है यही बेस्ट है चाहे वंचित समूह का बच्चा हो चाहे कोई भी बच्चा हो ठीक मेक देम सेट सेपरेटली बच्चों को अलग थलग कभी नहीं बिठाना है नहीं। कि तुम लड़की हो तुम वहां बैठो ऐसा होता है स्कूल में हालांकि और तुम ये करो तुम वो करो अच्छा तुम इस जाति के बच्चे हो पीछे बैठो तुम तो मुझे पसंद नहीं हो वट इस तरह की चीजें नहीं करनी है इग्नोर देम भैया इग्नोर कर देंगे तो फिर सोल्यूशन कहां से लाएंगे वो पहले ही वंचित समूह से है समस्याओं से घिरे हुए हैं ठीक तो आंसर होगा बी संदर्भ में चीजों को समझना है और फिर लेकर के चलना है चीजों को आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ दर्निंग डिसबिलिटी इंपैक्ट कोऑर्डिनेशन अब ये एक लाइन में सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता था बट इनको लेने थे आपके मजे सीबीएसई को क्योंकि आपको आदत हो गई है सेम सेम क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं तो उन्होंने कहा अच्छा बताते हैं तुमको और क्वेश्चन को चार लाइन का बना दिया जो कि सिंपल एक लाइन में आया करता था

ये भी इसमें भी प्रॉब्लम आएगी कब आती है डिस्लेक्सिया में तो सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है हद से हद लिखने से रिलेटेड हो जाएगी अगर पढ़ने से है तो फिर लिखने में भी होगी डिस्कैलकुलिया में कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है मैथ्स रिलेटेड है ये कि बच्चा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी उसको डिस्फेजिया में लैंग्वेज के कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित समस्या होती है कि भाषा को समझ पाने में दिक्कत होती है ऐसे बच्चे को और बोलने में भी हो सकती है लेकिन यहां बात हो रही है कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आपकी मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है आपको लिखने में भी दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से साइकिल चलाने में दिक्कत हो सकती है बेल्ट लगाने में दिक्कत हो सकती है शू लेसेस बांधने में दिक्कत हो सकती है टायर लगाने में दिक्कत हो सकती है तो ये क्या है डिस्प्रेक्सिया है मोटर स्किल्स के कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम जब आपके जो गत्यात्मक कौशल है जिनसे दौड़ना भागना चलना फिरना इन सब में जब समस्या आती है या आप अपने जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है इनको ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे ये डिस्प्रेक्सिया में आता है

और बैचेज में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो करियर से ही आप एनरोल होंगे कहीं और टेढ़ी मेढ़ी जगह से नहीं हो जाना है कि किसी ने आपको दो सौ का बैच दे दिया किसी ने कुछ और दे दिया है ना तो वो चलेंगे नहीं बैचेस फिर बाद में आप मेल करेंगे परेशान होंगे और मुझे भी दुख होता है चाहे आप ये कह सकते हैं कि मैं कहने के लिए कह रही हूँ बट होता है है ना बताइएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ना? ना? देखते हैं चले आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑटिस्टिक बच्चा जिसको ऑटिज्म है जिसको हम स्वालीनता कह देते हैं हिंदी में कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज बिल्कुल होती है कि बच्चे को अपनी बात कहने में संप्रेषण में कठिनाई होती है हाई अर्ज टू इंटरेक्ट विद ऑल नहीं नहीं ये आइसोलेशन में या बहुत ज्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं करता वेरी लो आईक्यू ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चा है तो आईक्यू कम होगा उसका एडवांस्ड सोशल स्किल्स नहीं सोशल स्किल्स पुअर होती हैं इनकी बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते रेपिटेशन बहुत होता है बातों में एक बात को चार बार रिपीट करते हैं तो संप्रेषण में कठिनाई होती है इनको कम्युनिकेशन के साथ इनको प्रॉब्लम होती है और सोशली ज्यादा ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर करते हैं यानी स्टीरियोटिपिकल मतलब बार बार रिपीट करने वाला रेपिटेटिव बिहेवियर ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर पूछा जा सकता है पूछा हुआ है प्रीवियसली किसी तो एग्जाम में सीटेट में नहीं बट भाषा तो चेंज की जा सकती है ना देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद क्रिएटिविटी यानी निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान नहीं है सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चा कुछ नया सोचे जो कुछ डिफरेंट सोचे कुछ अलग लीक से हटके स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियासिटी यानी जिज्ञासा बहुत होती है जिज्ञासा होगी तभी तो कुछ नया सोच पाओगे जिसमें जिज्ञासा ही नहीं है जो दुनिया को देखता भी तो देखता है अरे यार क्या ही है बहुत बेकार दुनिया है ना वो क्यूरियसिटी खत्म है उसके जीवन से तो जो क्यूरियस नहीं है वो नया क्यों करेगा कुछ वो तो खाएगा पिएगा ईट स्लीप रिपीट ठीक कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी सोच सिकुड़ती हुई सोच दिशाओं में सोचना ही नहीं है तो ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन मार्क ये मैंने कहा नहीं है कि जुड़ा हुआ है हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उच्च स्तरीय समस्याओं का समाधान निकाल देगा ऐसा बच्चा नोवल इनोवेटिव आइडियाज नवाचारी अनूठे आइडियाज कुछ डिफरेंट आइडियाज देखिए ये भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है कि बहुत क्यूरियस होगा बच्चा हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स को जब वो सॉल्व कर पाएगा तभी तो नए नए तरीके ढूंढेगा नोवल इनोवेटिव आइडियाज होंगे कुछ नवाचार उसके अंदर होगा लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसकी है वो क्रिएटिव नहीं हो सकता क्योंकि क्रिएटिव होने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग जो कन्वर्जेंट का जस्ट ऑपोजिट होती है ये दोनों को दिया था पॉल गिलफर्ड ने जेपी गिलफर्ड ने जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को डायवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा जाता है क्रिएटिविटी के साथ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थिंकिंग के 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 साथ के साथ के साथ लिटरल ये सारी चीजें क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है वही कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है जब आपको एक क्वेश्चन है चार ऑप्शन है इसमें से कुछ चूज करना है आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं कुछ क्रिएटिविटी थोड़ी लगाते हैं कि पांचवा ऑप्शन बना दिया आपने तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसमें कुछ नया थोड़ी किया आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया बस तो बी ऑप्शन कन्वर्जेंट थिंकि क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ा हुआ नॉट पूछा था जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था ठीक है ना चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, और हैं। 21 2020 अब मैं क्या करूं बह जाती हूं डिस्कशन में <coughs> देखिएगा अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी की इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस सुझाती है कि शिक्षा को कैसा होना चाहिए तो पहला ऑप्शन है लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक कॉन्टेंट भैया ये तो एनसीएफ पहले से मना कर रहा था कि सिर्फ से मत जोड़ो रियल लाइफ से भी जोड़ो बात तो सही है फिर आया नेक्स्ट पॉइंट बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन यानी रटने पे बेस्ड हो तो जहां बच्चा एक्टिव नहीं है वो सब खराब चीज है बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वो बेटर है कोई भी पॉलिसी हो कोई भी एनसीएफ हो सब यही मानेंगे सी ऑप्शन है देखिएगा एक बार यार गला ठीक होने का नाम नहीं ले रहा देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की तो मेमोराइजेशन भी खराब हो गया यहां पर बच्चा पैसिव है जहां बच्चा पैसे है निष्क्रिय है वो उत्तर कभी सही नहीं हो सकता इंटरनलिस नोट ना लिखा हो ऊपर ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्टेड टू एनकरेज कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होना कंपटीशन इंक्रीज नहीं करना कोऑपरेशन इंक्रीज करना है एक दूसरे का सर नहीं फुड़वा देना है ठीक है सहयोग के साथ आगे बढ़ना है ठीक फोकस्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग बात एकदम सही है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंता का चिंतन का विकास करे नॉट चिंता ठीक है क्रिटिकल थिंकिंग यह ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स में आता है जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है फ्री नोट्स में भी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिखाने की बात करती है जिसमें डिजिटल लिटरेसी है क्रिटिकल थिंकिंग है और भी इस तरह की सैकड़ों चीजें हैं डिसीजन मेकिंग है कम्युनिकेशन स्किल्स है, है जो आज के समय की जरूरत है इक्कीसवीं कि शताब्दी की ठीक उसमें से एक है क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि हम चीजों को सभी पक्षों में देख करके तब कंक्लूजन पे जाएं ऐसा ना हो जस्ट मान लें किसी ने कहा हाँ, दो हजार के नोट में चिप होती हमने कहा हाँ होगी ही जी फलाना कह रहा है या व्हाट्सएप पे कोई बात कोई न्यूज आई हमने कहा हाँ हाँ ये ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा या किसी ने हमारे किसी दोस्त ने ऐसे बता दिया अरे वो तो बड़ा खराब इंसान है यार है ना या ये तो ऐसे ही है है ना हिमांशी अरे बस पूछो मत तो आपके पास कोई डेटा नहीं है रियल डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे आप वेरीफाई कर सकें या क्रिटिकली सोच सकें हर एक पक्ष को समझ सकें बस आपने मान लिया तो वो मान नहीं लेना है इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग लगानी है लॉजिक के आधार पर रिफ्लेक्ट कर सकें जिसमें आप एनालिसिस कर सकें जिसमें आप और तब किसी एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकें कैसे ही नहीं अच्छा भाई ये कह रही है मैडम कि हम तो बेस्ट पढ़ाते हैं तो पढ़ाती ही होंगी आप इंटरव्यूज देखेंगे आप किसी ने पढ़ा होगा उससे पूछेंगे आप खुद से पढ़ के देखेंगे और प्रीवियस ईयर से मैच करेंगे भैया जो पढ़ा रहे हैं उनको समझ भी आ रहा है कि नहीं या ऐसी हवाओं में तीर चल रहे हैं तो वो प्रॉपर क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप जस्ट मान नहीं लेते आपको जो कोई भी कुछ भी कह देता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इंडिविजुअल डिफरेंस रिलेटेड टू प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स लर्निंग स्टाइल होती है किसी को देख के सीखना पसंद है पिक्चर्स के थ्रू मतलब वीडियोज के थ्रू किसी को करके सीखना पसंद है ना किसी को सुन के सीखना बड़ा पसंद है वो पॉडकास्ट या एफ या फिर उनका दोस्त कह देते हैं एक बार कि यार भाई एक बार मेरे को बता दे इसकी डेफिनेशन क्या है तो जब आप सामने वाले से सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाता है ये क्या हो गया ये समझ में आ जाता है ये लर्निंग स्टाइल है ठीक है ना नेट हंड्रेड परसेंट खत्म हो गया कोई बात नहीं थोड़ी देर की बात हो रहा है देखिये तो ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम शुड बी और सात आठ क्वेश्चन है तो लर्निंग स्टाइल का ध्यान कैसे रखें क्लास में A to से सीखते हैं ये रुकावट नहीं है बैरियर नहीं है ये तो बहुत ही अच्छी बात है रिसोर्स है एलिमिनेटेड विद यूज ऑफ नेगेटिव री एनफोर्समेंट नेगेटिव री एनफोर्समेंट से हटा देंगे इस बात को कि बच्चों की लर्निंग स्टाइल खत्म कर देंगे सबको एक जैसा बना देंगे है ना यूनिफॉर्म कर देंगे खराब बात है ये

फैसिलिटेटर्स होते हैं टीचर बिल्कुल सही बात है एनसीएफ यही तो कहता है सुविधा दाता है आप आप माहौल क्रिएट करते हैं सीखने का और मिलकर के बच्चे और आप दोनों आप मतलब टीचर है, यहां बच्चा एक्टिव है जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बहुत ही प्यारा सुंदर सस्ता टिकाऊ उत्तर है ठीक तो फैसिलिटे आ, फैसिलिटेटर्स हैं टीचर्स और एक्टिव पार्टिसिपेटर्स या पार्टिसिपेंट्स है इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन बच्चे तो टीचर्स आर फैसिलिटेटर्स स एज एक्टिव पार्टिसिपेटर्स क्योंकि बीच में कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा कॉमा के कौमा के बाद वाली जो चीज है वो लर्नर्स के बारे में होगी डिक्टेटर नहीं हो सकता टीचर कोई हिटलर नहीं हो सकता और जिनको कोई ज्ञान नहीं है वो बॉडीज नहीं हो सकती बच्चे ऐसा नहीं है कि खाली बर्तन है तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर मिल करके नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं दोनों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन ट्वेंटी फोर देखिएगा फटाफट से क्या कहता है भैया बस आंसर कर दीजिए आप तीस सेकेंड में अब ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हाँ हाँ इंटरनेट चला गया सोए नहीं अभिलाषा ये इनका इंटरनेट खत्म हो गया दिन भर यूट्यूब चलाते हैं हजार लोग जो गए हैं हजार नहीं दो हजार भी गए हैं देखिएगा अगर हम बात करते हैं रयान रिसेंटली लर्न दैट कुक्ड इज पास्ट फॉर्म ऑफ कुक अभी आपको इंग्लिश पैडोलॉजी में भी हेल्प करेगा इसीलिए कहा जाता है सीडी बी बेस है इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इजी कहेंगे ये वाला जो सेट है अभी आप देखिएगा ओवरऑल कितने नंबर आपने अचीव किए हैं किस दिन मुश्किल सेट भी करेंगे बट ओवरऑल यही रहता है किसी में कुछ क्वेश्चन मुश्किल आ गए आपने या तो पढ़ रखा होगा पहले से हाँ नौ बजे कल से आएंगे भाई कल तो खैर संडे है तो संडे वार्ता करेंगे और बिहार वाला जो डिस्कशन है वो करेंगे उसके बाद मंडे से पूरी कोशिश रहेगी मेरी बाकी क्लासेस भी होती हैं बट कोशिश रहेगी नौ बजे एग्जैक्ट शुरू कर दे ताकि इतना लेट ना हो है ना और नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम कर देंगे तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रयान एक बच्चा है रिसेंटली लर्न दैट कुग्ड इज दास्ट फॉर्म ऑफ कुक जो कुगड है वो पास्ट फॉर्म होती है कुक की प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर याद होगा ना आफ्टर दैट इज यूजिंग ईडी वो हर शब्द में अब ईडी लग गया फॉर एवरी चेंज टू फॉर्म सच एज ब्रोकन इंस्टेड ऑफ ब्रोक्ड तो अब बच्चे को जो है हर चीज में क्या लगाना है ईडी लगा देना उसको लगता है पास्ट फॉर्म बनानी है अगर बस ईडी लगा दो जबकि सब जगह ऐसा नहीं होता भाई अगर हम बात करें ब्रोक्ड थोड़ी होता है ना हम ब्रोक यूज करेंगे ब्रोकन यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में या फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये भी एक क्वेश्चन आता है पहले से गो है अब बच्चा इसको इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी वेंट हो जाएगी लेकिन बच्चा क्या, क्या करेगा उसने भी नया नया एक रूल सीखा है जो हर जगह लगा 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 देगा 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 वो वो इसमें भी ईडी गोड आई आई टू टू स्कूल स्कूल जबकि वेंट होगा तो जब कोई भी नया रूल बच्चा ग्रामेटिकल सीखता है तो वो उसको अननेसेसरी बहुत सारी जगहों पर यूज करने लग जाता है इसको ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं या इसको हम ओवर रेगुलराइजेशन कहते हैं यानी अति नियमितता या अति सामान्यकरण हो जाता है नियम का वो हर जगह फिर वही यूज करता है उसमें ईडी लगा देगा जैसे कई लोग होंगे अब उनको बताया वो हम कहेंगे कि कुछ अचीव किया आपने तो वो अचीव में भी ईडी लगा देंगे ठीक है ना चलिए बी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे रेस्ट्रिक्ट नहीं करती ये चीज है ट्वेंटी फाइव देखिए ब्रेन स्टॉमिंग एज अ टेक्निक कैन बी यूज टू डेवलप डैश इन चिल्ड्रन ब्रेन स्ट्रामिंग बुद्धिशीलता या फिर इसको हम मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्या ग्रुप में बच्चों को बिठाया और कोई प्रॉब्लम दिया उस पर सोचने को कहा फटाफट से ठीक है ये इसमें कुछ नए आइडियाज आएंगे तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग में दिशाओं में सोचना होता है तो कन्वर्जेंट थिंकिंग कैन बी यूज टू डेवलप कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं ये तो डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करेगा ब्रेन स्ट्रॉमिंग मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा हुआ है फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम होती है कि आप एक ही ढंग से कर पाते हैं किसी चीज को दूसरा नया तरीका सोचते ही नहीं है यही रिस्पॉन्स सेट में होता है ठीक कि कोई भी बात हो आपकी माता जी देती है, इस फोन ने जिंदगी खराब की हुई है इस फोन की वजह से हो रहा है, है दांत में दर्द हो पैर में दर्द हो पढ़ नहीं पा रहे हो वट वो रिस्पॉन्स सेट है उनका उनको पता है भैया यही प्रतिक्रिया देनी है हर चीज में ठीक तो डायवर्जन थिंकिंग इसका सही उत्तर है ब्रेन स्टॉमिंग मेंिक्स देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्या कहता है ये कहता है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम यानी एक रचनावादी कक्षा कक्ष में अ टीचर शुड एक टीचर को क्या करना चाहिए पहला ऑप्शन है गिव स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू ऑल देखिएगा ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन बस सुनने में अच्छा लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन लिखा हो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लिखा हो इनसे बचना है आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करना है क्योंकि बच्चे डिफरेंट है तो डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन भी ठीक है जी फिर आता है बी ऑप्शन मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड अचीव हिज और हर पोटेंशियल टू दी बेस्ट ये बात एकदम सही है रचनावादी सृजनात्मकतावादी कक्षा कक्ष उसको कहेंगे जहां हर बच्चा कंस्ट्रक्ट कर पाए नॉलेज को या अपने पोटेंशियल को प्राप्त कर पाए जिस चीज के लिए इन डिफरेंट का मतलब है फर्क नहीं पड़ता आपको अलग अलग तरह के बच्चे बट मतलब आप मेथड यूज कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव हो गया बच्चा एक्टिव कहां है जहां उसका सर्वाधिक पोटेंशियल वो एक्सप्लोर कर पाए बी ऑप्शन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिए फटाफट से

क्योंकि कई ऐसे स्टेप हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के जहां पे डिफाइनिंग पहला हो जाएगा और कई ऐसे मेथड्स हैं जहां पे आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप होता है वहां डिफाइनिंग होगा ही सॉरी वहां आइडेंटिफिकेशन होगा ही नहीं या फिर डिफाइनिंग नहीं होगा दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो ये बी ऑप्शन कई लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है जो कि पहला ऑप्शन या पहला स्टेप होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या की पहले पहचान तो करोगे तब तो समस्या का समाधान निकालोगे सबसे पहले पहचान करोगे समस्या है क्या आखिर ठीक तो आइडेंटिफिकेशन फिर इसको डिफाइन किया जाएगा सेकंड नंबर पे कि अच्छे से इसको समझ रहे हैं आप डिफाइन कर रहे हैं, हैं किसको समस्या को फिर आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को खोजते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करना कहते हैं इसको में, फिर आता है हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट करते हैं एक परिकल्पना बनाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और बाद में इवेल्युएट करते हैं ये कुछ इसमें स्टेप्स लगते हैं तो आपको यह देखना है कि अगर ऑप्शन में जो डिफाइनिंग को फर्स्ट मानते हैं कई सारे हैं जो आइडेंटिफिकेशन को फर्स्ट मानते हैं अगर दोनों लिखा है तो आपको आइडेंटिफिकेशन के साथ ही जाना है बस सिंपल यही याद रखो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर देखिएगा पोल रहने दो अब बस पोल की जरूरत है चलो लगाओ फिट लगाओ। फटाफट uh, क्वेश्चन है। in order to motivate students, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए, in primary school, यानि कक्षा एक से पांच तक वॉट स्ट्रैटेजी शुड द टीचर अडॉप्ट यानी कौन सी रणनीति को अडॉप्ट कर लेना चाहिए टीचर को अगर बच्चों को क्या करना है मोटिवेट करना है तो एनकरेज कॉम्पिटिशन एनकरेज कॉम्पिटिशन फॉर मार्क्स अमंगेस्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन बढ़ा दो मार्क्स के लिए बिल्कुल गलत कंपटीशन नहीं कराना कोऑपरेशन कराना है यूज इंसेंटिव रिवॉर्ड्स पनिशमेंट्स ये सारे बेकार तरीके हैं सेट स्टैंडर्ड गोल्स फॉर द एंटायर क्लास सबके लिए सेम गोल नहीं लगा सकते इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चों में अलग अलग गोल सेट होंगे हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट बच्चों की रुचि के अनुसार उनका गोल सेट करना और सपोर्ट करना उनको अपने उद्देश्य की प्राप्ति में तो बच्चे की रुचि का ध्यान रखना है तभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाएगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखिए सेकंड लास्ट फटाफट से बड़ा सा क्वेश्चन है इसमें एक कथन है दूसरा उसका कारण है कथन क्या है अलोंग विद कॉग्नेटिव डेवलपमेंट स्कूल्स शुड एंश्योर इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल यानी हम बच्चे के दिमाग का विकास तो करा ही रहे हैं स्कूल में प्री तो हम उसके दिमाग का विकास कराते हैं मुख्य रूप से लेकिन हमें उसके इमोशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए उसके संवेगों को भी वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स वाइल वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग यहां बात हो रही है इमोशंस की ये कह रहे हैं भैया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो खराब हो जाती है यदि आप बोल बोल के प्रॉब्लम को सॉल्व करो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है तो ये बात तो फॉल्स हो गई ये बात एकदम गलत है क्या है एकदम गलत है क्योंकि वर्बलाइज करने से कोई समस्या का समाधान में प्रॉब्लम नहीं आती दूसरी बात ये इसका रीजन भी गलत है ये अपने आप में भी गलत है ये बात ऐसा भी नहीं है ना ये इंडिपेंडेंटली ठीक हो ये बात सही है कि हम बच्चों की डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं तो हमें उनके इमोशंस का भी ध्यान रखना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ तो ए तो सही है बोथ ए एन आर आर सही नहीं है ए एन आर आर ट्रू फॉल्स नहीं आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों तो सही है ही नहीं ना ये तो फॉल्स है तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स यहां पे सिंपल सी ऑप्शन होगा दोनों गलत नहीं है ये अगर सही होता अपने आप में तो हम कहते बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए अगर ये अपने आप में भी ठीक होती ये बात ये गलत है अपने आप में भी इसलिए हमें इसको कंसिडर नहीं कर सकते लास्ट क्वेश्चन आज के लिए जाओ मजे करो भंगड़ा पाओ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया में कौन सा एक फैक्टर है जो सकारात्मक रोल प्ले नहीं करता पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करता बताइए फटाफट से लास्ट क्वेश्चन आज के लिए <coughs> मजे करना फिर घर जाओ है ना क्या कह रहे हो घर तो पहले से ही है देखिए पहले से ही बताने लगे कई लोग तो नंबर अभी पहले देख तो लो सही होगा कि नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नॉट लिखा हुआ है कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देगा यानी लर्निंग में हेल्पफुल नहीं होगा माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण खाना ठीक से नहीं मिल रहा दिमाग ठीक से नहीं डेवलप होगा शरीर ठीक से डेवलप नहीं होगा इमोशन कहां से ठीक हो जाएंगे सब कुछ खराब हो जाएगा और माल न्यूट्रिशन जो है हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है है ना और एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है शायद वो अब्दू आपने देखा होगा उनको भी आई थिंक माल न्यूट्रिशन वॉज दी रीजन की उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया और आमिर खान भी कुछ साल पहले एड करते थे टीवी में एड आता था कि भैया कुपोषण क्या है एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए यानी सही पोषण ना मिल पाना बढ़ती उम्र में उसकी वजह से डेवलपमेंट आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ठीक तो माल न्यूट्रिशन जो है पॉजिटिवली बिल्कुल भी प्रोसेस ऑफ लर्निंग में काम नहीं आएगा क्योंकि बच्चे का विकास ठीक से नहीं हुआ तो लर्निंग कहां से ठीक होगी फिर ठीक है ना कोलेबोरेशन विद पियर्स यानी समकक्षों के साथ सहयोग मिलकर सीख रहे हैं सब ये तो पॉजिटिव बात है हमें तो नेगेटिव ढूंढना था ना नेगेटिव या गलत क्या है ए ऑप्शन जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल पॉजिटिव चीज है सीखने में बिल्कुल इतनी देर से हम क्या कर रहे तो कर रहे रहे हैं हैं डिस्कशन ही तो दो घंटे से लगभग तो चर्चा भी महत्वपूर्ण है लेकिन ए ऑप्शन गलत है माल्यूट्रिशन और क्योंकि गलत है इसीलिए सही है ना? तो 30, है ना आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं ये पीडीएफ आपको रात में ही मैं शेयर कर दूंगी डेली बेसिस पे ही शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी ये ई मेल है आउट ऑफ थर्टी कितने मार्क्स आपने स्कोर किए आज के डिस्कशन में बहुत लंबा डिस्कशन रहा अब मंडे से हम टॉपिक वाइज उठाएंगे और कल हम बिहार जो सेवंथ फेज वाला डिस्कशन है और जो भी आपकी डाउट्स या क्वेरीज रहेंगी जो मैं इंस्टाग्राम से लेती हूँ संडे वार्ता में तो ये कल दो सेशन जहाँ तक रहेंगे टेलीग्राम चैनल से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है रात में दो तीन बजे या जब भी हुआ तब मैं आपको भेज दूंगी ये और हाँ रात में मैं कीर्तन करती हूँ कई लोगों को लग रहा होगा देखिए तो अगर हम बात करें आउट ऑफ थर्टी किसी के ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन वाला भी है कोई यू you नो know, इसका मतलब पहले भी पेपर दिया होगा ट्वेंटी सिक्स होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा पहले से किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया और नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा ठीक है कुछ लोगों के नाम ले लें बिना थर्टी आउट ऑफ थर्टी बिना आग लगा दी आपने मयंक शर्मा कह रहे हैं कि केवीएसपीआरटी का के रिजल्ट कब तक आएगा आने में ही है कभी भी प्रेजेंट हो सकता से है आया कल यार मुझे एक सेमिनार भी केवीएस का और मॉक इंटरव्यू भी अपलोड करना था काफी लेट हो गया बट मैं कर दूंगी आ, मोहन कुमार देवेश कुमार तेतीस तीस में से आग लगा दी देवेश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देवेश के लिए हम अलग से तालियां बजाएंगे इनको स्टैंडिंग ओवेशन देंगे है ना देवेश से ज्यादा इंटेलिजेंट इस कक्षा में कोई नहीं है मजाक कर रही हूँ देवेश दिल पे ना है चलिए खैर बहुत बढ़िया ट्वेंटी एट हाँ, हमें अब ये तीस क्वेश्चन नहीं किए हमने इतना सारा डिस्कशन इतनी पूरी अंडरस्टैंडिंग तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें जो भर भर के कॉन्सेप्ट है मतलब और लगभग सारे ही टॉपिक टच हो गए हैं क्योंकि पूरा सेट है ये ठीक मंडे से हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं चलिए धन्यवाद फिर मिक्स मिक्स भी मिक्स भी, भी, भी बीच बीच में करते रहेंगे हम सब्सक्रिप्शन लेना है तो महिमा फिर करियर वाला ऐप आप डाउनलोड करो वही हजार पंद्रह सौ कोर्स है कोई बहुत भारी कोर्स नहीं है मतलब बहुत महंगा कोर्स नहीं है बहुत सारे टीचर्स हैं चलिए टॉपिक वाइज मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है जी फर्स्ट बार ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ सत्ताईस आउट ऑफ थर्टी बहुत बढ़िया शिखा ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत बढ़िया आप सीख पाएंगे ऐसा नहीं है बहुत सारे लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई है बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं अपनी अलग अलग स्टेट्स में दिल्ली से लेके और केवीएस uh, में भी प्रीवियसली और इस बार अभी रिजल्ट आएगा ही चलिए थैंक यू सो मच कल मिलते हैं धन्यवाद आपका और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स भी बीच बीच में करते रहेंगे इन मिटविन बाकी बी और उन अपने साथ बने रहिए टेक केयर गुड नाइट कमेंट्स में जो भी आपका विचार हो कोई भी आपको सजेशन देना हो कोई भी फीडबैक हो वो आप दे सकते हैं ताकि उसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सके आपकी बात पे ध्यान दिया जा सके थैंक यू फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं फर्स्ट डे वाले भी बच्चे भी इस बार सीटेड दे सकते हैं कोई पूछ रहा है ना फर्स्ट ईयर वाले बच्चे दे सकते हैं सब दे सकते हैं चलिए टेक केयर बाय